चलो एक चीज अभी भी वापस समझ लो, समझना है तो एक रूल समझना, आप लोग का आंसर शुड बी स्लाइट प्रिसाइज, दिस इज नॉट एमसीक्यू, बराबर बराबर ना? मतलब आप लोग का आंसर थोड़ा परफेक्ट चाहिए, अल्टीमेटली इट इज लॉ। टैक्सेशन भी क्या है, मैंने वापस बोला था, इट इज लॉ, सेक्शन 240, आर्टिकल 246 के हिसाब से ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आपका लैंग्वेज, आपका वर्डिंग्स कुछ मैच होना चाहिए, एकदम आउटसाइड द ट्रैक नहीं जाना चाहिए कि आपका कोई वर्ड ही याद नहीं है, जैसे 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस है तो थोड़े वर्ड्स आने चाहिए, जैसे तो भी थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना। तो मैं बेसिक कंडीशन एक बार बोल देता हूँ, राइट? अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इफ ही सेटिस्फाइज ईदर ऑफ द वन कंडीशन, ईदर ऑफ वन ऑफ द कंडीशन, देन ही बिकम्स रेसिडेंट। बट इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, ही बिकम्स नॉन रेसिडेंट। बट देर आर थ्री एक्सेप्शंस, या थ्री या फोर जो भी समझो। इन दिस एक्सेप्शन द 60 डेज इज रिप्लेस्ड बाई 1 ईयर डेज, जिसमें फर्स्ट था एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। ये तीन के लिए 60 रिप्लेस बाय 182। अदर देन दैट, एक ऐसा क्लॉज था जिसमें 60 इज रिप्लेस बाय 120, दैट इज एन इंडियन सिटीजन हु हैज इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज रुपीज 15 लैक्स, मोर देन अबाउ 15 लैक्स, इसके 60 इज रिप्लेस बाय 120। यहां तक हम लोग का नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट के बीच में क्लॉजेस है, राइट? वही एग्जाम में कोई सम आता है तो आप लोगों को टू बी मतलब जितना पॉसिबल उतना कंडीशंस लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एमसीक्यू। आपको जितना पॉसिबल आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्लॉज लिखने होंगे, राइट? नहीं तो लेंथ बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, अभी आप क्या करोगे? हाँ रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, वो मार्क्स नहीं मिलेगा, वो फिर वो समझो 3 में से 1 मार्क मिलेगा। अगर आपको 3 में से 3 चाहिए क्या करना होगा? सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, सेक्शंस, सेक्शंस को यूज करना, वो मेन चीज है, राइट? तो उसके लिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस पहले बता रहा हूं कि एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो पेज नंबर 169, यहां से इलस्ट्रेशन, चैप्टर 2 के इलस्ट्रेशन, बरोबर है? तो पहला इलस्ट्रेशन है ना, पहले थर्ड है, पहले थर्ड है, मिला 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 मिला। एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950, ही लेफ्ट फॉर चाइना ऑन 1 जुलाई 2017 एंड कम्स बैक ऑन 7 अगस्त 2022। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, बराबर? देखो स्टेप वन समझना, फर्स्ट नाम क्या दिया है, मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर क्या और असेसमेंट ईयर क्या, पहले ये हमेशा डिसाइड करो। ये दिया है 23-24, तो ये इंप्लाइड है 22-23, गॉट इट? ये इंप्लाइड है 22-23, इस तरह से समझना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसका स्टे निकालना होगा। स्टे मतलब क्या, एग्जाम्पल यू विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 and 22-23, दिस इज आर प्रीवियस ईयर, बराबर है? अभी आप सोचो वो 2017 में चला गया तो क्या 18-19 में इधर था? नहीं था, तो ये तो उसका जीरो हुआ, बराबर? 19-20 पे नहीं था, 20-21 में नहीं था, 21-22 पे नहीं था, वो वापस कभी आ, कैसे था बता? तो इसमें हुआ या इसमें हुआ?
इसका लास्ट डेट कौन सा है? बहुत ध्यान देना, वो आया कभी अगस्त, तो पहले अपने को ये साल का उसका स्टे निकालने का, कौन से ईयर का? ये साल का। तो ये साल का स्टे कैसे निकालोगे? वो 7 अगस्त को आया, तो अगस्त में कितने दिन के लिए इंडिया में था? अभी कैसे गिनना होता देखो, जिस दिन वो आया वो भी इंडिया में था। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। उसमें से पहले 6 दिन इधर नहीं था, मतलब अगस्त में वो 25 दिन के लिए था। समझ में आया? पहले 6 दिन नहीं था, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 30, 31, 31, 31, 28, 31, 5, 6, 7, 8, 8 plus 9, 17, 1, 5, 5 plus 15, 20, 23, that is 237 days। समझ में आया? पहले ऐसे निकालोगे, अभी क्या लिखोगे? एज पर बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6161, इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर ही इज रेसिडेंट, राइट? मिस्टर ए वॉज इन इंडिया फॉर 237 डेज इन प्रीवियस ईयर, सो मिस्टर ए इज रेसिडेंट फॉर PY 22-23 एंड AY 23-24। मैं आगे का स्टोरी बाद में समझा रहा हूँ, आगे का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले यहां तक समझाना जो लास्ट टाइम का था। आपको ऐसा कोई सम दिया होगा, आपको डेज काउंट करना होगा। ये तो चलो अच्छी बात है कि फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल हो गया, अगर नहीं होता तो मुझे सेकंड सोचना होता। डेज काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, बरोबर है? तो यहां तक समझा? ये तो चलो एग्जांपल था किस तरह से लिखना, और भी बड़े बड़े समय, ये तो खाली फर्स्ट समय, इसलिए मैंने सॉरी नंबर 3 था ना। यहां तक समझा सबको? याद रहा, फर्स्ट डिटरमाइनिंग द प्रीवियस ईयर स्टे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर स्टे इज मोर इंपॉर्टेंट, और सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में ही नहीं होता है, प्रीवियस ईयर में 10, 20, 30 दे हुआ तो उधर ही नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, और नॉन रेसिडेंट बन गया तो आपको सम आगे करने की जरूरत नहीं है। तो रेसिडेंट याद रहा, क्या था कंडीशन वापस एक बार, क्या था कंडीशंस? नहीं नहीं नहीं, इतना घाई मत कर, इतना घाई मत कर, वापस सुनो। अ पर्सन एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही इज इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। नॉन रेसिडेंट पर तुरंत मत आ जा, क्योंकि दूसरा कंडीशन है और वो है, और कभी नॉन रेसिडेंट बोलना ही नहीं होता, वो इंप्लाइड होता है। मैं जब बोल रहा हूँ ये दो कंडीशन है रेसिडेंट बनने के लिए, तो इंप्लाइड होता है कि जो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, हाँ, वो बोलना नहीं होता। कंडीशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव साइड। आंसर लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में कभी नॉन रेसिडेंट के बारे में नहीं लिखा होता, कंडीशंस लिखना होता है। कुछ नहीं आया तो दो कंडीशन लिख दिया और फिर नीचे लिख सकता है। अगर समझो ये सब भी नहीं लिखना है, तो खाली नॉर्मल लिखना है स्टार्टिंग, समझो इसके ऊपर ही लिखू बेसिक कंडीशन 1, 2 और नीचे लिख दूंगा ही डज नॉट ही सेटिस्फाई कंडीशन 161A, ही इज रेसिडेंट। हाँ, लेकिन वो कंडीशन लिखना जरूरी होगा, खाली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं चलेगा। समझो मैंने लिखा 237, सो ही इज रेसिडेंट, वो नहीं चलेगा, वो तीन में से एक मार्क मिल जाएगा कंक्लूजन का, समझो, लेकिन तीन नहीं मिलेगा। अभी रेसिडेंट बनने के बाद वापस दो कंडीशंस है जो मुझे रिक्वायर्ड है, रेसिडेंट एंड
ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब व्हाट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट? इंडिया में ऑर्डिनरी को है ना बहुत ज्यादा टैक्स लैबडी में डाला है. टैक्स लैबडी इसके बाद समझ में आएगा, एक डेढ़ घंटे के बाद चांस मिला तो आज हो जाएगा. ऑर्डिनरी का क्या हालत है? ऑर्डिनरी बनने के लिए दे हैव गिवन एज पर सिक्स सिक्स एडिशनल कंडीशंस, एज पर सिक्स सिक्स एडिशनल कंडीशन अ पर्सन, सॉरी पर्सन नहीं, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशंस. मतलब क्या? बोथ. बेसिक में क्या था मैंने बोला था? एक, दो में से एक, दो में से एक, यहां दोनों. मतलब फर्स्ट है ही इज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर छोड़कर उसके ऊपर के 7 साल में टोटल स्टे 730 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए. देखो एक रूल आगे भी समझना, अभी से बोल देता हूं, एक रूल समझ लेना. टैक्सेशन में जो भी नंबर्स दिए वो अपने आप बाय हार्ट करके सोचने का, क्यों बना है उसका कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है. इंडिया के कोई भी लॉ के पीछे कोई रीजन नहीं. जैसे ऐसा कोई बोलेगा रिटायरमेंट एज कितना है, तो बोला 60. क्यों 60, क्यों 50 नहीं, कि हमारे हाथ में है नहीं. अगर समझो किसी को कोई मर्डर कर रहा है, फांसी की सजा है, ये सजा है, समझो उसको उम्र क्या 14 साल की सजा है, क्यों 14 साल, क्यों 10 क्यों नहीं, क्यों 18 क्यों नहीं, ऐसा कुछ सोचा? सोचा या नहीं सोचा? क्यों क्यों ऐसा 14 साल ऐसा क्यों? राउंड भी करो ना, 10 रखो, 15 रखो, 14 क्यों? सोचा ऐसा कभी? क्यों नहीं? लॉ में जो बन गया है नंबर वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं. अभी कोई बोलेगा 730 दिन, 730 दिन रियल में 730 माने क्या है? 365 का डबल. रियल में 182 क्या मतलब है? 365 का आधा, क्योंकि 182.5 हो रहा है. रियल में ऐसा लॉजिक है, लेकिन उन लोग ने अपने हिसाब से नंबर फ्रेम किया और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा. आगे आगे भी एक ने पूरे टैक्सेशन में 100 200 2000 नंबर भी है ना, सब में उन लोग की जो मर्जी चलती होता है. अभी कल तक रिटायरमेंट एज 60 था, कल आया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिटायरमेंट एज 62 कर दिया. मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जब चाहे तभी वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. कौन से नंबर कहाँ से आते हैं किसी के कंट्रोल में नहीं. मैं वापस आ रहा हूँ, किसी के कंट्रोल नहीं. और GST कहाँ 5% का 12 कर दे, 12 का 18 कर दे, उन लोग का हाथ में. ये सब उन लोग को चॉइस है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑफ मेकिंग लॉज, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. आप समझे? मतलब कभी भी टैक्स में वो मत क्वेश्चन पूछना ये नंबर क्यों है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो जो रखे वो, ये साल ऐसा बोला कि 250,000 तक माफ है, 250 माफ है. नेक्स्ट आके बोलेगा 500,000 माफ है, तो 500,000 माफ है. कोई आके बोलेगा 700,000 माफ है, तो 700,000. डिपेंड किस पर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपने हिसाब से माफ करा सकते हैं. समझा? दैट्स अ लॉजिक. तो देखो ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज और मोर इन द 7 ईयर्स प्रेस इन द प्रीवियस ईयर एंड ही इज रेसिडेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. लास्ट 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए. अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है तो क्या बन जाएगा? मतलब दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो, या दो में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो ये बेसिक कंडीशन है. बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2, एडिशनल कंडीशन है 1 2, बराबर है? समझो ये सेटिस्फाई किया, ये नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया, तो वो क्या बनेगा? मतलब ये बनेगा नॉट
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझो ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये सेटिस्फाई किया और ये दोनों किया, तो ये बनेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये नहीं किया, ये नहीं किया और ये दोनों किया, नॉन रेसिडेंट। इधर ध्यान है, बेसिक की नहीं है। अगर ये क्या लिखा है मैंने, रेसिडेंट इज ऑर्डिनरी। अगर आप रेसिडेंट ही पास नहीं कर रहे हो तो आगे क्यों जा रहे हो, उधर ही नॉन रेसिडेंट हो गया ना, बेसिक में ही खलास हो गया ना, तो ये देखने की जरूरत है किधर है। पहला क्राइटेरिया क्या है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उधर ही खत्म हो गया, समझा, नॉन रेसिडेंट है उधर ही सेम खत्म हो गया। हाँ रेसिडेंट है तो आगे क्या सोचना है, समझ में आया। नॉन रेसिडेंट तो आगे सोचना ही नहीं है, मतलब ये सोचना है जरूरत ही नहीं था, इधर ही उसका एनआर हो गया था, समझ रहे हो। बेसिक तो पास करो तो एडिशनल पर जाओगे ना, बेसिक में ही विकेट गिर गई, उधर ही खत्म हो गया तेरा, समझा, बेसिक ही नहीं सेटिस्फाइड है। सिमिलरली समझो ये सेटिस्फाइड, ये नॉट सेटिस्फाइड और ये सेटिस्फाइड, नॉट ऑर्डिनरी। यहां दोनों राइट चाहिए और ये दो में से कम एक राइट चाहिए, समझा। अभी एग्जाम्पल है, ये लिखने के बाद अगर मुझे उसका वापस पूछना होता कि वो रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, अभी अभी वो कैसे समझो, अभी ध्यान दो, अभी सुनना बरोबर। कौन सा यार दिख रहा है, 18 19, अभी समझो, वो कभी इंडिया छोड़कर गया, देखो पढ़ के बोलना, बराबर। अभी ध्यान देना, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। इंडिया है, कम से कम 50 साल से ये चल रहा है, मेरे टाइम से ये चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, 50 साल से ये क्लॉज रखा है, बकवास क्लॉज है, 50 साल से बिलीव कर सकते हैं, 50 ईयर से यही फालतू क्लॉज चल रहा है, किसने बनाया वो अभी भी वही चल रहा है। अब समझ रहे हो, एटलीस्ट 50 ईयर्स चेंज ही नहीं करते, क्या पता नहीं घिसा पिटाई एडिशनल हो सकता। अब ये देखो, ये स्टे तो मैंने फाइंड आउट किया कितना हो रहा, ये यहां इंडिया में था वो, यहां 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 इंडिया में था, ठीक। अभी है ना, एकदम प्रिसाइज बोल रहा हूं मैं, पढ़ा हुआ चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन बोला उसका ही आंसर देना, कभी गया कभी नहीं गया, नहीं मैं इधर इधर था और था तो कितने दिन के लिए था, मेरे को वही आंसर चाहिए। ये तो इंग्लिश बरो पढ़ो, कितने 10-15 लाइन का क्वेश्चन है, कितने लाइन का क्वेश्चन है, कितना 15 लाइन का, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर एक लाइन का क्वेश्चन नहीं समझ सकते तो समझ ले, एक लाइन का क्वेश्चन बोल रहा हूं, इंडिया में था या नहीं था, था इधर था, इधर इधर। अब ये देखो, एक तो वो समझना आपको है,
क्योंकि ये 2016 का फरवरी आएगा, ये बोलो जुलाई तक था, तो अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई को था एंट्री एंड एग्जिट डेट इज इन इंडिया, मतलब अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, तो भी 92 डेज था। बराबर है। बेसिक कंडीशंस कौन सा वापस बोलो एक बार पूरा, अभी एग्जाम में कैसे लिखोगे देखो, पूरा अभी एग्जाम है, बेसिक कंडीशन एकदम टू द पॉइंट क्लियरली बोलो। लो लो लो, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा कंपनी लॉ JIGL रुला देंगे पेपर्स में आप लोगों को, सुन लो, रुला देंगे पेपर्स आप लोग। लॉ है, लॉ है, लॉ है, अभी बोल रहा हूँ, साथ साथ लॉ है, एक्ट है, एक्ट का आंसर ऐसा चलता ही नहीं है। एज पर सेक्शन 6(6) या 6(1) या तो ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट या जो भी समझो, लॉ चलता ही नहीं है। अब पांच में से पांच, तीन मार्क अपर लिमिट में आता है, अपर लिमिट क्या लगता है पांच में से कितना मार्क आता है सबको, एक एक क्वेश्चन में कितना मार्क आता होगा आपको, क्या लगता है? 12th का होता है ऐसे ही, पांच में से पांच, पांच में से चार, 12th में भी पांच में से चार, पांच देते थे, चार देते थे ना, ये प्रोफेशनल पेपर है, कितना आता है? तीन। मैं एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट लोग को, बहुत जन को बोलता हूँ, स्टूडेंट लोग क्यों फेल होते तो उसका रीजन देता हूँ, स्टूडेंट क्या सोचते, देख 5 मार्क के 20 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हुए? 100। 5 मार्क के हर एक क्वेश्चन में तेरा बेस्ट लिखा तूने, एवरी क्वेश्चन ऑन 20 ऑन 20 आपका बेस्ट गया, सब में 3 मार्क मिला, तो भी कितना मिला? 60। 100 में से 60, समझ रहे हो क्या? यहां 100 में से 100 हाईएस्ट क्या? 190 आता, 70 आता, कोई नहीं आता 72 के ऊपर। दिस इज नॉट योर इको ओसी पेपर, समझना, डोंट कंपेयर विथ एनी अदर स्टैंडर्ड, अभी भी बोला एनी अदर स्टैंडर्ड, मैं आपको प्रूव कर दूं ना, 12th 12th में आपको जितने परसेंट आए उसके आधे परसेंटेज के भी आपको लोग नहीं है, उसका रीजन समझा रहा हूं। 12th में कितने मार्क्स था एग्जाम था, कितने मार्क्स का पेपर था? बहुत जन बोलते हैं हम लोग इको में 12th में 70 आया, 80 आया, कितने मार्क्स का पेपर था बोलो? उसमें 20 तो कॉलेज फ्री में दे रहा था, प्रूव करके दिखाऊं, बराबर 20 मार्क ऑब्जेक्टिव आता था जो इधर उधर से हो जाता था, कितना हुआ? तो अगर तेरे को 70 आया उसका मतलब बाकी के 60 में से 30 आया, 40 तो फ्री में मिला। आज के जमाने में अगर किसी को 12th लेवल नहीं, मैं बोल रहा हूं जिसको भी 95% आया ना, 95% आया ना, वो भी 30 45 55 के लेवल नहीं है। अगर एग्जाम में से तीन चीज निकाल दो, ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन एंड टाइम एक्सटेंशन, पेपर में से निकाल दो ऑब्जेक्टिव, पेपर में से ऑप्शन निकाल दो, राइट है ऑल द थ्री, देखो सबकी हालत, पेपर पैटर्न ही मत दो, ये सब में ऐसा है पेपर पैटर्न नहीं होता, जैसे उसमें होता ना फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, सेकंड क्वेश्चन यही आएगा, ये चैप्टर में से इतना आएगा, यहां ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल पेपर्स है। अगर आप लोग वो कंपेयर कर रहे हो ना कि पहले नंबर पर यही क्वेश्चन आना चाहिए, ये इसमें से इतना, ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल पेपर समझते हो आप? सोचो इतना अश्योरेंस TYBCOM के बाद किसी को है? आज मैं बोल रहा हूं एग्जीक्यूटिव आप दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव पास हो जाओ आपका आर्टिकलशिप में आजकल 15,000 स्टाइपेंड है, खाली एग्जीक्यूटिव क्लियर को, खाली एग्जीक्यूटिव क्लियर को, प्रोफेशनल को आज की डेट में 40,000 50,000 करी स्टाइपेंड है थर्ड ईयर का, 40,000 क्लियर नहीं हुआ, एक एक ग्रुप मेरे स्टूडेंट है अभी जो एक एक ग्रुप बाकी है, तो भी उसका 40,000 स्टाइपेंड हो गया 2-3 साल में है। आपका TYBCOM देता है अश्योरेंस है? TY क्लियर कौन पॉसिबल? एग्जीक्यूटिव का लेवल भी है उतना, मतलब समझो पास होने वाले को भी है सैलरी, तो पेपर क्या बच्चे ऐसा पेपर नहीं आने वाला है, मतलब आप ये मत सोचो कि आप ऐसे ऐसे वो बजट में बोलता हम लोग वो सब फालतू है, फाड़ के फेंक देना, वो जीरो वैल्यू, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, कुछ काम का नहीं है वो सब, जो रिक्वायर्ड है वो अकाउंट्स थोड़ा नाटक करेगा तुम लोग के साथ बस, बाकी इको OC इंग्लिश क्या क्या था सब बुक्स जीरो यूज, कुछ आगे नहीं आने वाला है,
मैं अभी से बोला, एक भी चीज नहीं आने वाला, चलो एक भी चीज नहीं आने वाला अभी आगे फ्यूचर में, समझा? सब सब्जेक्ट निकाल दो, एसपी पढ़ा होगा तो भी वो खाली नेग्लिजिबल काम आया तो ठीक है, व्हाट इज सेक्रेटरी और सब बकवास, वरना कोई काम नहीं आएगा आपको, पूरा ये सब आएगा जो ध्यान दो। आप लोग बहुत ज्यादा ही एकदम ऐसे बहुत केयरलेसली ले रहे हो, आप लोग को एग्जीक्यूट का ऐसे चाम नहीं दिख रहा है, आप समझ रहे हो? आज हम लोग जब सीए में पढ़ाता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ उन लोगों को अंदर से होता ना, मेरे को सीए बनना होता ना, एक बोलता क्या बोलता क्रेज बोलो या एक झुस्सा बोलता, मेरे को पास होकर दिखाना है, 50,000 सैलरी, 1 लाख का सैलरी ला के दिखाना है, ऐसा नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हो? यू हैव टू बी सो, मतलब मैं प्रोफेशनल में हूँ ऐसा अंदर फील आना चाहिए, तो ही पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो आपके और 11th 12th में कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है। 11th 12th वाले बैठते हैं ऐसे, जो भी हो रहा है भगवान भरोसे 35 आ जाएगा, या ऐसा नहीं है, प्लीज बोल रहा हूँ नहीं है। सातों सात सब्जेक्ट हैवी है, कोई सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं है, क्लियर? प्लीज रीड परफेक्टली, अभी भी बोल रहा हूँ प्लीज रीड एवरीथिंग, एक एक चीज, घर पे के वीडियो लेक्चर्स है तो वीडियो लेक्चर्स देखो, जो करना है करो। अभी वाले सब स्टूडेंट्स को हम लोग तो लकी बोलते हैं, सच्ची बोला, झूठ नहीं बोला, मैं तो 2007 में, 2008 में, 2010 में 250 250 का बैच था, इंक्लूडिंग मेरे बैच के अंदर कौन थे मालूम है? जिमित सर, वो 2012 के बैच में थे मेरे, समझ में आया? और जितने भी बड़े क्लासेस है ना, जितने भी बड़े क्लासेस आपको सीएस के लगते हैं ना, जितने भी बड़े क्लासेस सीएस में, सबको जाके पूछ गया, सबके प्रोफेसर को पूछ गया, और सबको किसने पढ़ा वो भी पूछ गया, पूछना है तो पूछ गया, सब भी जितने बड़े क्लासेस आपके ना, उसके प्रोफेसर है ना, जिसके प्रोफेसर जो पढ़ा रहे अभी, वो सब मेरे स्टूडेंट है, प्रोफेसर ही मेरे स्टूडेंट है, और जाके पूछ गया तो भी चलेगा। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, जो लेवल चाहिए 250 के बैचेस, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रोफेशनल पेपर्स है, दिस इज नॉट कॉलेज एग्जाम, कि एफ आई बी कॉम नहीं है, एस आई बी कॉम जो ने दिया, एफ आई बी कॉम एक दिन पढ़ा पास हो जाते हो, नहीं होता है, कितना नहीं पढ़ा हुआ है एस आई बी कॉम में, कौन टी वाई पास है, टी वाई पास हो ना, कितना टी वाई बी कॉम में कितना पढ़ा, तू मेरे को ईमानदारी से बोल, कितना टैक्स किया, कितना टैक्स किया, हाँ कितना पढ़ा, 10 दिन में हो गया टी वाई, अभी सोचो 365 दिन का पोर्शन 10 दिन में होता है, उसका वैल्यू होता है, 365 डेज का पोर्शन 10 दिन में, एफ आई बी कॉम लोग 7 दिन में पढ़ते हैं, एस आई बी कॉम 5 दिन में पढ़ते हैं, 3 साल 3 ईयर्स का पोर्शन वी हार्डली रीड फॉर 30 डेज, बी प्रैक्टिकल बनो, जब मैं 3 साल का पोर्शन है जो 30 दिन में हो जाता है उसका वैल्यू होगा। आज मेरे को ऑप्शन देते ना, या मेरे पास ऐसे स्टूडेंट ऑप्शन दो ना, वो 1 महीना उसको दो, वो एफ आई एस पर टी आई तीनों पास करके दिखाएगा, एक ही साल में नहीं, एक ही महीने के अंदर तीनों डिग्री पास, एफ आई एस पर टी आई खत्म, वाई वी आर वेस्टिंग 3 ईयर्स वी डोंट नो, अल्टीमेटली 3 साल वेस्ट ही किया ना, तू टी आई पास है और कौन टी आई पास है, क्या लगता है क्या सीखा, ईमानदारी से बोलो, बोलो लगता है आपको इसके बेस पर आपको जॉब मिल सकता है, क्या नॉलेज है आपको, हाँ कुछ नहीं, बरोबर ना? हम लोग का जो स्टाफ है ना वो मैक्सिमम सब टीवाई के ऊपर वाले, जो रिसेप्शनिस्ट का काम करता है 10,000 12,000 की सैलरी में, प्रैक्टिकल बनो तो समझ में आएगा, स्टाफ बोल रहा हूं, और वो भी अभी का टीवाई नहीं, 15 साल पहले का टीवाई, जब पेपर भी टफ आते थे 15 साल पहले के टीवाई वाले लोग स्टाफ है, पूछो ना कभी, उन लोग 10,000 12,000 का सैलरी नहीं होता, अभी का टीवाई को क्या रखेंगे, के पोर्शन ही वो नहीं है जो काम का है, कौन सा है बीसी और ईवीएस और एफसी काम आता है, एडवर्टाइजिंग कौन सा सब्जेक्ट है ना, ये सब जो सब्जेक्ट काम आने वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़े हम लोग ने, और प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल में इसलिए सैलरी ज्यादा होता है क्योंकि उसका कंसेप्ट हैवी होता है, और उसमें आप लोग का माइंड बहुत ही ज्यादा ऐसा है, वो खोलो प्लीज ट्राई, घर पे 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार पढ़ो, ग्रिप लाओ, क्लॉज को लिखना सीखो, एज पर सेक्शन 6(1) द बेसिक कंडीशंस, इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इफ इज इन इंडिया, इफ इज इन इंडिया फॉर अ प्रीवियस ईयर ऑफ 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, राइट, इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशन ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट, ये बेसिक लिखा, फिर प्रूव कर दो कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सिंस मिस्टर ए वॉज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 237 डेज इन द प्रीवियस ईयर, ही सेटिस्फाइज 6(1)A, सो ही बिकम्स
resident. Now, to become an ordinary resident, he has to satisfy both the additional conditions. First, as per 6-6, he is in India for a period of 730 days or more in 7 years preceding the previous year. And he is in India, so he is resident at least 2 out of 10 preceding previous year. Right? In the above case, abhi ye, Mr. A, mein, kya uska 7 saal mein stay 730 hota hai? Ye dekho, 7 saal mein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हुआ 730? Yes, क्योंकि यही 365 इधर ही हो जाता है. Right? As per 6-6, first, his stay in last 7 preceding previous year. कितना होगा देखो, 366 plus 365 plus 92 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. करो कितना होता है, करो टोटल 2nd, ही इज रेसिडेंट कितने बार है ये तो नॉन रेसिडेंट है, यहां रेसिडेंट है क्यों? 182 के प्लस था, 182 प्लस था ना. ही इज रेसिडेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. राइट? ही सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशंस. सो मिस्टर ए इज रेसिडेंट एंड ordinary resident. पूरा ऐसा आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन कितने लाइन का था? एक लाइन, डेढ़ लाइन. सॉल्यूशन सोचो, एक लाइन का क्वेश्चन, चारों कंडीशन लेकर गया, सब कंडीशन आ गया. पूरे चैप्टर में जितनी कंडीशन थी सब एक में आ गई, खाली एक ही लाइन का क्वेश्चन था. समझा? तो वापस बनाओ, आपको हर एक कंडीशन पर परफेक्शन चाहिए. 182 किधर है, 365 किधर है, 730 किधर है, 2 आउट ऑफ 10 किधर है. दो बेसिक में है, दो एडिशनल में है. अगर बेसिक क्लियर करता है तो एडिशनल सोचना है, अगर बेसिक क्लियर ही नहीं करता है तो एडिशनल सोचने की जरूरत ही नहीं है. बेसिक में एक भी हो गया तो दूसरे की जरूरत नहीं है. जैसे अगर 237 हो गया, पहला ही हो गया ना तो दूसरा मत सोचो, पहला नहीं होता तो दूसरा कोशिश करना होता. सिमिलरली एडिशनल में भी ऐसा है, एडिशनल में अगर पहला ही नहीं हुआ ना तो दूसरा मत सोचो. अगर 730 नहीं होता ना तो मैं 2 आउट ऑफ 10 सोचता ही नहीं. क्यों? क्योंकि एडिशनल में दोनों चाहिए, अगर एक भी नहीं हुआ तो सीधा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. गॉट इट? तो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. समझा? तो घर पे बैठ के जितना भी है, एक बार मैं मुझे एक साथ दो दो चीज करना होगा, क्योंकि मैंने ना इस टाइम इलस्ट्रेशन से पीछे रखे हैं और क्लॉजेस आके रखे ताकि वो समझ में आया. याद उधर लिख के रखना बाद में. पेज 169 पे क्या है? सम्स. देखो कैसे रखा ना, इलस्ट्रेशन पेज 169 है और उसके बाद एमसीक्यू उसके लिए उसके बाद है. बरोबर ना? चलो अभी मैं वापस पढ़ लेता हूँ. एडिशनल कंडीशंस पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पर देखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल में बिकम मिला एंड इंडिविजुअल. पेज नंबर 8 सेकंड लास्ट पैराग्राफ, एंड इंडिविजुअल में बिकम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6-6 कर दो, 6-1 नहीं, 6-6. बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द अबाउ मेंशन कंडीशन. बिसाइड मतलब ऊपर के दो करने के बाद, ऊपर मतलब बेसिक में से दो में से एक होने के बाद सोचना है. ही इज ए रेसिडेंट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीजिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 एंड ही हैज बीन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर्स 7 प्रीवियस ईयर इमीजिएटली प्रीसीडिंग द
प्रीवियस ईयर, ठीक है, गॉट इट? नीचे वाला जो ना आर एन ओ आर का, उसका पहला दो कंडीशन नहीं पढ़ोगे चलेगा, वो उसका ऑपोजिट है। देखो ऑपोजिट इतना आसान नहीं है, तो आप है ना पॉजिटिव साइड में याद रखो, ऑर्डिनरी हुआ, नॉट ऑर्डिनरी में उल्टा होता है, मतलब जिसका 729 डेज तक हो तो नॉट ऑर्डिनरी, 730 है ऊपर है तो 729 है उससे नीचे है तो नॉट ऑर्डिनरी। फिर 2 out of 10 का ऑपोजिट मालूम है क्या होता है? 2 out of 10, 2 out of 10 इज ऑर्डिनरी, तो नॉट ऑर्डिनरी 9 out of 10 वही होता है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे 10 में से कितने सेटिस्फाई चाहिए? 2। अगर ये 2 सेटिस्फाई हुआ तो नहीं होने के लिए कितने चाहिए? 8 नहीं, 9। अगर ये 2 और ये 8 हुआ तो कभी भी एक कम होता है, मतलब दो दो में से अगर यहां 1 और यहां 9 हुआ ना तो नॉट ऑर्डिनरी ना। नहीं समझा? आपको 2 सब्जेक्ट में पास होना है तो आप पास, राइट? तो आप फेल कभी माने जाओगे? 10 पेपर है, 2 में पास तो पास, तो आप फेल कभी? हां, 8 नहीं 9, 8 नहीं 9, क्योंकि 8 में पास होता अल्टीमेटली आप 2 में पास हो गए, मतलब तो आप पास हो गए, आप फेल कभी माने जाओगे? मैंने आपको बोला 10 में से पास होने के लिए 2 सब्जेक्ट, अभी तो फेल होने के लिए 9, 8 नहीं। बहुत जन के दिमाग में 8 आता है, 8 में कैसे है, 8 इधर है तो 2 इधर भी है तो मैं पास हो गया, तो अगर 9 में फेल हुए तो आप फेल, इसलिए 9 out of 10 होता है ये साइड, वो टफ हो जाएगा, इसलिए मैं पॉजिटिव साइड में ले रहा हूँ, 2 out of 10 और 730 डेज और मोर, नहीं तो ग्रामेटिकली नहीं समझोगे तुम लोग, नॉट ऑर्डिनरी समझना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो रिवर्स सोचना होता है, और वो 2 के बीच में और आता है, एंड नहीं आता, क्योंकि वो 2 में से एक भी सेटिस्फाई हो गया ना तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा। ऑर्डिनरी के लिए आपको दोनों चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए कोई भी एक चाहिए, टफ हो जाएगा, रादर देन दैट अंडरस्टैंड विच ऑर्डिनरी। सी पॉइंट वो 15 लाख वाला कंडीशन है और डी पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार मैं पढ़ लेता हूं। द फैक्ट दैट एन एसएससी इज रेसिडेंट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट ही वुड बी रेसिडेंट इन प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग ईयर्स एज वेल। कॉन्सिक्वेंटली द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर सेपरेटली। दिस इज इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अ पर्सन रेसिडेंट 1 ईयर में बिकम नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी इन अनदर ईयर एंड वाइस वर्सा। वन ऑफ द कॉमन प्रीवियस पास्ट में एमसीक्यू आता था, वो बहुत कॉमन था, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डैश एवरी ईयर, सुनना ये बहुत कॉमन एमसीक्यू था, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डैश एवरी ईयर, ऑप्शन था मे चेंज, ऑलवेज चेंजेस, मे नॉट चेंज, सॉरी नॉट चेंज, या रिमेन्स फिक्स्ड। रेसिडेंस स्टेटस ऑफ अ पर्सन डैश एवरी ईयर, रिमेन्स फिक्स्ड, मे चेंज, नॉट चेंज, या ऐसा कोई लॉजिक था? आंसर इज मे चेंज। व्हाट इज मे चेंज, मतलब क्या? अब इसका मतलब समझना, एक लॉजिक समझना, एक लॉजिक। ये सपोज या आप समझो 20 साल से इंडिया में ही रहते हो, 20 साल से इंडिया में रहते हो, आज कौन सा चल रहा है, 2023 का मई, बराबर, और आज रात को ही आप इंडिया के बाहर निकल गए, पूरे साल तक 31 मार्च तक आए नहीं, तो मालूम आपका ये साल का स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। आप बोलोगे यार ऐसा कैसा, 20 साल से इंडिया में हूं कभी बाहर नहीं गया, एक साल में नॉन रेसिडेंट? आंसर इज यस। क्यों? क्यों? अगर आज आप जाते हो तो आप एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, क्योंकि ना आपका 182 होगा, खाली अप्रैल और मई में कहां से होगा, और ना आपका 60 भी होगा, अप्रैल के 30 और मई के 15, 45, तो आप दोनों सेटिस्फाई तो आप क्या बन जाओगे? सोचो 20 साल तक आप क्या थे और एक साल में, उल्टा सोचो, कोई पर्सन
20 साल से बाहर है और वो आज इंडिया में आ गया और पूरा साल अभी इधर है तो रेसिडेंट बन गया। आपको लगे यार ये तो पूरा जिंदगी बाहर था, कभी इंडिया में नहीं आया तो भी रेसिडेंट। इनकम टैक्स में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कोई काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट इज योर स्टे। स्टे के लिए जो लिखा है ना वो अभी तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता हूं, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। स्टे के लिए इतना सारा लिखा है, व्हाट डज द वर्ड स्टे मींस? ऑब्वियसली अरे और भी बहुत कुछ है, मैं खाली एक एक लाइन का क्वेश्चन दूंगा ना बाद में तू घबरा जाएगा, बाद में देता हूँ बाद में, खाली पहले चार कंडीशन तो ऐड कर, एक एक लाइन के क्वेश्चंस। इतना कन्फ्यूजन आते थे पहले, इतना कन्फ्यूजन, ट्रेमेंडस कन्फ्यूजन। एमसीक्यूज लगता है लेकिन एमसीक्यूज का राइट जाना रेसिडेंशियल में सबसे टफ था। वन लाइनर, वन लाइनर, ऑप्शन भी फिक्स था, आर ओ आर, एन ओ आर, एन आर, नन ऑफ दीज, फिक्स आंसर, क्वेश्चन फिक्स, यही चार ऑप्शन। आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि चार में से क्या है, नन ऑफ दिस ऑब्वियसली नहीं होगा। हाँ लाइक ऐसा आता था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा आता था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कोई ना कोई इनकम्प्लीट डेटा होता है। अभी एक एग्जाम्पल था, सपोज कोई पर्सन, स्टे का मतलब क्या होता है? रहेगा, रहेगा मतलब क्या? पहले तो ऐसा, स्टे मतलब क्या इंडिया में, मतलब सर मैं स्टे का मतलब क्या था, अज्यूम करो कि कोई पर्सन इंडिया में आया, समझो एक एग्जाम्पल, चलो डेविड वॉर्नर, चलो एक ऑस्ट्रेलियन इधर आया, अप्रैल में इधर रहा, मई में इधर रहा, जून में इधर रहा, 90 डेज हो गया, 3 महीना रहा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऑस्ट्रेलिया चला गया, दिसंबर में वापस खेलने गया, जैन में वापस चला गया, फेब में वापस आया, मार्च में वापस चला गया। कसम से बोलूँ हम लोग के टाइम पर ऐसे समाते थे, आया गया 6 टूर मारते थे बीच में, आपको हर टाइम का डेज गिनने का और टोटल करने का, इसमें एंट्री एंड एग्जिट डेट इज टू बी काउंटेड इन इंडिया, और अगर उसका टोटल 182 हुआ तो रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब स्टे डजंट मींस के कंसेक्यूटिव होना चाहिए, फर्स्ट, दूसरा आया पहले मुंबई में था 3 महीना, फिर 1 महीना दिल्ली में था, फिर 1 महीना बेंगलोर में था, फिर 1 महीना कोलकाता था, चलेगा? चलेगा, क्यों? इंडिया में हुआ। मेरे एक क्वेश्चन था पास्ट में आता, एक क्रिकेटर इंडिया में आया था समझो आईपीएल खेलने के लिए, फर्स्ट टाइम आया था आईपीएल खेलने के लिए, 3 महीना आईपीएल खेला, मतलब 90 डेज खेला, और एक मैच में, लास्ट मैच में, फाइनल में उसको बॉल लग गया और इंजर्ड हो गया, और 4 महीने के लिए यहाँ की हॉस्पिटल में कोमा में एडमिटेड था। 4 महीने बाद उसका होश आया और वो वापस अपने कंट्री चला गया। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, बोला ना 3 महीना आईपीएल खेला, 4 महीना कोमा में था, सो जब वो 4 महीना कोमा में था वो भी काउंट होगा, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट इज द स्टे, कौन सी हालत में स्टे था वो नहीं है। क्या बोलोगे, अरे वो तो हॉस्पिटल में था, मैं क्या करूँ, वो तेल लेने गया, था ना इधर इंडिया में तो था ना, खत्म हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस समझा, ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं बाद में बोर्ड इसमें भरा हुआ ना, तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स, जब आपको कैसे समझना है पहले वो ट्यूबलाइट होना चाहिए, हाँ ये समय ऐसा फ्रेम होगा, देखते कितने इनका क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कंडीशन सिर्फ चार है और दिस विल एंड योर हाफ ऑफ द चैप्टर, मेन पार्ट बाकी रहा अभी भी। क्या होगा मेन पार्ट, सोचो क्या होगा मेन पार्ट, क्या दिमाग में वो आता है आप लोगों को, पहले वो सोचो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना बराबर, एकदम प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनोगे तो ही समझेंगे। एग्जांपल देख, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है, बराबर? दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आया? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या आना चाहिए, ये सब टाइम पास किया क्यों, ये करके फायदा क्या? पहले क्वेश्चन तो वो आना चाहिए, ये सब किया ही क्यों, ये नॉन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट, उसका कोई तो पर्पज होगा ना, या फालतू गिरी, ये नॉन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट, अरे कोई तो वजह होगी ना करने के पीछे, या ऐसे ही बना दिया फालतू गिरी, तो रीजन क्या है ना, वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है।
कि नॉन रेसिडेंट तो क्या होगा, रेसिडेंट तो क्या होगा, ये इनकम पर इसकी हालत क्या होगी, ये इनकम पर इसकी हालत क्या होगी, मेन तो इनकम टैक्स पर आना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, समझो। खाली क्लासीफाई करके क्या कर लोगे, क्लासीफाई करके क्या करो, हाँ ये है, तू रेसिडेंट है, तू नॉन रेसिडेंट, तो उसको क्या हुआ, हाँ है हूं जा, क्या तो तू ही बोल दे, हाँ हूं हो गया, चल नॉन रेसिडेंट अभी, उसके बाद क्या, बस वो मेन है चैप्टर का, समझ रहे हो, मेन इज क्यों किया, अभी तक तो मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है, बाद में कोई तो रीजन होगा ना, वाई आई एम क्लासिफाइंग द पर्सन, वो मेन पार्ट होगा, वो चैप्टर का पार्ट टू है, समझा। तो यहां तक तो पहले एक कंडीशन समझो, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, तो उसका मैंने कंडीशन मैं वापस एक बार पढ़ लेता हूं, मे चेंज हुआ। सेकंड पॉइंट इज इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल मिला फॉर टैक्स पर्पज इज नीदर बेस्ड ऑन डिटरमाइंड बाई सिटीजनशिप नेशनल नेशनलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल, देखा वर्ड समझो, नीदर बेस्ड अपॉन, समझ रहे हो, आप बोलोगे मैं इंडियन, मेरे पास पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सब बकवास, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट इधर का है, बकवास, कोई काम का नहीं है, इंडिया में कुछ भी काम का नहीं, ये खाली वोटिंग वोटिंग राइट्स है, देव जो करना है करो, सिटीजन है, टैक्स में आपका ये सब नहीं चलेगा, समझा, टैक्स का अपना ही रूल्स है, गॉट इट। कितने के पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड तुम लोग के पास भी है, कितने है, एज क्या है, हो गया, पैन कार्ड कब से था, तो 18 हो गया था तभी, तो तभी पैन कार्ड ले लिया, तेरा क्यों है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट शायद, क्यों है पैन कार्ड, तेरी इनकम किधर है, तेरी इनकम है या नहीं है पहले, तो क्यों है, तेरा रिटर्न फाइल होता है या नहीं होता है? तो क्यों पैन कार्ड है, पैन कार्ड है क्यों, पप्पा ने निकाल दिया, मेरे को क्या पता, बस ये हालत है अपनी, क्यों है वही नहीं पता, समझा, पैन कार्ड हाँ है, क्यों है, समझा, सब पैन कार्ड लेकर बैठता है, क्यों लेकर बैठता है वही नहीं पता, Why? We don't know. पापा के पास पैन कार्ड है, क्यों है पता है, पापा रिटर्न फाइल करता है नहीं है पता है, इनकम टैक्स क्यों पे करता है वो पता है, इनकम टैक्स क्या रीजन क्या है, नहीं भरते तो नहीं चलता, नहीं चलता क्यों, किसको मन होता है पैसा भरने का, किसी को भी नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता मन, तो क्यों भरने का, नहीं बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मालूम है इंडिया में पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट क्यों है, बाद में जब आएगा लोन लेने का, FDs करने का, बैंक अकाउंट ओपन करने का, फॉरेन टूर जाने का, सब जगह पर रिटर्न फाइलिंग चाहिए, नहीं तो आप जा भी नहीं सकते, फॉरेन टूर भी नहीं जा सकते, सोचो पैसा हो तो भी, आप पूछेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, कितने साल से फाइल करते हो, कितना इनकम दिखाते हो, पता है आपका बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं है, और फॉरेन टूर में कलोट का पैसा नहीं है तो उधर ही रह जाओगे, बोलेगा मैं उधर ऐसे में रिटर्न है कहीं पैसा नहीं मेरे पास, बहुत सारे क्लॉज है, प्लीज समझो इनकम टैक्स का मतलब क्या है। पैन कार्ड पर तो मैं डिस्क्रिप्शन बहुत बाद में डिस्कशन करूंगा, पैन कार्ड का क्या है, पैन कार्ड आपके पास है उसमें कितने नंबर्स है, कितने कैरेक्टर्स है पता है, ऐसा नहीं चलता, टैक्सेशन रिक्वायर्स प्रिसाइज आंसर, आंसर इज 10, आंसर इज 10, अभी है जेब में पैन कार्ड, किसी के पास है अभी पैन कार्ड, बाहर निकाल, तेरे पास पैन कार्ड है, मोबाइल में है, तो मोबाइल में है,
मोबाइल में भी नहीं। प्लीज समझो तुम लोग, मैं पास बना, यू हैव टू बी वेरी मच थर विथ एवरीथिंग। जेब में कार्ड है पता नहीं क्या है, अपनी जेब में कार्ड है अपने को नहीं पता क्या है। नंबर बोलो। हाँ फिफ्टी फोर जी है जी। अब बोलो ना। लास्ट बोल दे, चल है तो बोल दे। है जी एक्स जे पी डी सब 10 है, 5 अल्फाबेट 4 नंबर 1 कोड, सब में कॉमन मालूम है क्या है? पी डिसाइड द स्टेटस ऑफ अ पर्सन। जैसे हम लोग इंडिविजुअल है तो हम लोग का चौथा पी ही होता है, चौथा पी ही होता है। अगर एच यू एफ होता ना तो चौथा एच होता, फर्म होता तो चौथा एफ होता, कंपनी होता तो चौथा सी होता, ए ओ पी होता तो ए होता, बी ओ आई होता तो बी होता, चौथा फोर्थ द स्टेटस हम लोग में क्या है? पी। सरनेम सुथार गुप्ता थड़ेजवा। द फिफ्थ इज द सरनेम ऑफ द इंडिविजुअल। फीमेल्स गर्ल्स इवन दो यू आर मैरिड, जो पैन कार्ड अभी समझो पैन कार्ड है, शादी के बाद भी आप अपना पैन कार्ड चेंज नहीं करवा सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर। सिर्फ नाम चेंज होगा लेकिन नीचे हस्बैंड का नहीं फादर का ही नाम रहेगा, क्योंकि आपका साइन सरनेम यही रहेगा पैन कार्ड पे, जी ही रहेगा। इसलिए कोई भी पैन कार्ड में नीचे फादर्स नाम लिखा होगा अलग से। अगर कोई पर्सन एक साथ दो पैन कार्ड रखता है वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। समझो राइट नाउ यू हैव अ कार्ड राइट नाउ, आफ्टर मैरिज समझो यू अप्लाई फॉर अ सेकेंड कार्ड इन अ डिफरेंट नेम, इट विल बी क्रिमिनल ऑफेंस। हाँ यू कैन अप्लाई फॉर चेंज बट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सेकेंड कार्ड। समझा? इतना ईजी नहीं है, मतलब ये सब कंसेप्ट है जो बाद में आएगा, कितने कैरेक्टर्स, परमानेंट अकाउंट नंबर, कहाँ कहाँ यूज। समझा ये या नहीं समझा? बोल, याद रहा अभी एग्जैक्टली क्या है, कितने कैरेक्टर्स, चौथे नंबर पर क्या, पांचवें नंबर पर क्या, आगे डिस्कशन करूंगा मैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको अपडेट होना चाहिए। खैर मेरे पास पैन कार्ड होने से कुछ नहीं हो जाता, उसका यूज़ किया फ़ायदा क्या? कोई भी चीज़ आप अपने पास रखो और ऐसे पड़े रहने तो उसमें मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं ना। क्यों लिया पता नहीं, क्यों आए क्यों गए कुछ पता नहीं। यू शुड नो कि पैन कार्ड क्यों लिया, पप्पा ने भी लिया तो उसके पीछे रीज़न क्या। समझा? पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब टीचिंग के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट ने कि पेरेंट्स ने मेरे को फ़ोन किया, अच्छा हुआ आपने सिखाया, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है जो आप अपने घर से बात कर सके वो है टैक्सेशन, वरना आपका पापा मम्मी आपका कुछ सुनेगा भी नहीं। चलो जाओ उनको बोलो कम ले लो आज जेल, सुनेंगे तो ही मान जाऊँगा। लेकिन टैक्स पास बोलेगा ना बहुत जन के घर पर तो खुश होते हैं, जैसे आगे मैंने समझाऊंगा टैक्स प्लानिंग, ऐसा करोगे तो इतना पैसा बचेगा, ऐसा करोगे तो टैक्स बचेगा, ऐसा करो तो। और घर पे एक स्टूडेंट बोलता है तो पापा को भी लगता है बच्चा कुछ पढ़ गया है, और जब पढ़ के आए से ज़्यादा जब फायदा होता है ना तो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि आपके कारण मेरा 10,000 रुपये बचा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
आज मैं आपको कोई सलाह देता हूं और आप उसका आपका 10,000 15,000 का फायदा होगा तो आप क्या सोचोगे? ईमानदारी से सोचो, क्या सोचोगे? जो क्लासेस का पैसा वसूल है, एक बार तो ऐसा लगेगा ना, अगर मेरी एक सलाह से भी आपका 15,000 बचता है, जैसे आगे मैं बोलूंगा, चल आपके पापा ने ऐसा किया होगा तो उसका टैक्स बचेगा, ऐसा किया होगा तो उसको TDS वापस आएगा, ऐसा किया होगा तो ये होगा वो होगा, तो आपको क्या लगेगा? यू ओनली थिंक, बाकी सब सब्जेक्ट तो खाली मार्क्स देते हैं, ये सब्जेक्ट तो पैसा वापस देता है। प्रैक्टिकल बनोगे तो लगे, हाँ यार आज सामने वाले के कारण मेरा 15,000 वापस आया ना, मेरा फायदा हुआ ना, तो वो अच्छे लेवल पर आ गया, हाँ चल वर्थ है अपना, गॉट इट? दैट्स अ लॉजिक। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए सब्जेक्ट का, और होगा अभी भी बोला, अगर फोकस करोगे ना पूरा लेक्चर, 6 महीना 5 महीना जो भी हो, घर पे आप बताओगे ना 5 10 15,000 तो ऐसे ही बचा लोगे, गारंटी दे सकता हूँ, बचा लोगे पैसा। मतलब पापा को बोलोगे, देखो जिसके अभी समझे, इसके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको ही पता है, आप समझे। लेकिन जिसके घर में नहीं है क्वालिफाइड, तो ऑब्वियसली उसको काम आएगा, क्लियर? तो पैन कार्ड का कंसेप्ट याद रहेगा, तो बर्थ प्लेस का भी कोई काम नहीं, डोमिसाइल का कोई काम नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फॉर टैक्स पर्पस इंडिविजुअल मे बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ईयर। द कॉमन फीचर इन बोथ ऑफ द अबाउ कंडीशन इज द स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। द पीरियड ऑफ स्टे रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द कंडीशन नीड नॉट नेसेसरली बी कंटिन्यूअस और कंसेक्यूटिव। समझ में आया? मैंने बोला वो कंटिन्यूअस या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, पर्पस इज इमटीरियल। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आया, 3 महीना वो क्रिकेट खेल रहा था, 4 महीना हॉस्पिटल में था, पर्पस इज इमटीरियल। पहला पर्पस क्या था? कमाने का। दूसरा पर्पस, सेम लॉजिक में ऐसे ही बोल सकता था कि डेविड वॉर्नर इधर आया, 3 महीना IPL खेला, 2 महीना लगा इसलिए हॉस्पिटल में था, ऑस्ट्रेलिया गया, और फिर 1 महीना उसके फैमिली को लेकर इधर घूमने आया इंडिया। 3 अलग पर्पस हुआ, पहले कमाने आया था, फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया था, और फिर आराम एज अ टूरिस्ट वीजा पर घूमने आया। लेकिन टोटल स्टे अगर 182 हो गया तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट, क्योंकि उस पर लिखा पर्पस इज इमटीरियल। द स्टे मे बी एनीवेयर इन इंडिया फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एट ईच प्लेस इन केस वेयर द स्टे इज इन इंडिया फॉर मोर प्लेसेस देन वन, व्हाट इज रिक्वायर्ड द टोटल पीरियड ऑफ स्टे। वो भी मैंने बोला, मतलब कुछ दिन मुंबई, कुछ दिन दिल्ली, कुछ दिन कोलकाता, अलग अलग प्लेस था। टोटल स्टे इंपॉर्टेंट है। अगर पानी में भी होगा ना, अरेबियन सी में पानी में भी हो गया ना, उसका शिप 3 दिन उधर रुक गया तो वो भी स्टे में काउंट होगा, क्योंकि मैंने बोला था क्या 12 नॉटिकल माइल्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया है, बोला था। व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्टे द डे ऑफ लिविंग एंड रिटर्निंग शुड बी कंसिडर्ड। वो भी मैंने बोला क्या, द एंट्री एंड एग्जिट डेट इज टू बी कंसिडर्ड इन इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला था क्या, या हिमसेल्फ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन, ओके या इंडिया मीन्स उन्होंने 200 नॉटिकल माइल्स रखा है, तो अभी तो 200 नॉटिकल माइल्स ही रखना, जनरली 12 था लेकिन 200 फॉर केस लॉस था, लेकिन अभी लिखा है तो रखे रखना 200 नॉटिकल माइल्स, लेकिन बाद में कंफर्म करेंगे क्योंकि केस लॉस के लिए रखा था उन लोग ने। कस्टम में 200 नॉटिकल माइल्स है क्योंकि उसको 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, फिर कोई अगर भाग जाता है वहां से तो उसको पकड़ने के लिए 200 नॉटिकल माइल्स तक जा सकते, ऐसा कोई रीजन है। 1.853 where the exact arrival and departure is not available, then the day he comes to India and the day he leaves is to be counted as stay. This ends your residential status from the point of individual. मैंने अब तक HUF companies BOI का नहीं किया, right? ठीक है, तो कॉपी कर लो इतना और फिर सेकेंड सम ट्राई करना, सेकेंड मतलब फोर्थ सम ट्राई करना, पेज 169 पर।
दूसरा आंसर क्या है? परफेक्ट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी. आया नहीं किया, नहीं किया या किया रॉन्ग आया, रॉन्ग आया. कैसे रॉन्ग आया? हर साल वो कितने दिन के लिए आ रहा है? हर साल कितने दिन के लिए आ रहा है? फोर्थ सम किया ना, 100 डेज, तो 182 वाला सेटिस्फाई हुआ? नहीं, 63, 65 हुआ. हाँ हुआ, तो रेसिडेंट बना या नहीं बना? रेसिडेंट बना. ये कंडीशन सेटिस्फाई किया उसने? सेटिस्फाई किया या नहीं किया? नहीं किया. हर साल का 100 गिनो तो 7 साल का 700 होगा, तो ये सेटिस्फाई. तो आंसर क्या हुआ? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आप बोलना. हाँ, देख, अगर 3 मार्क का हुआ ना, तो मैं प्रेफर करता हूं कि दोनों कंडीशंस लिखने की आदत रखो. बेसिक के दो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले पूरा बेसिक कंडीशन लिख दो, फिर हाँ या ना लिखो कि सेटिस्फाई हुआ या नहीं, फिर एडिशनल लिख दो और फिर हाँ या ना लिखो. एक पैटर्न ही फॉलो करो, पहले बेसिक लिखो फिर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो एडिशनल लिखो फिर हुआ या नहीं हुआ. एक पैटर्न ही फॉलो करो. ऐसे मत लिखो, अगर समझो रेसिडेंट ही नहीं हुआ था तो 4 कंडीशन लिखने का फायदा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले रेसिडेंट ही नहीं होता तो एडिशनल लिखा ही क्यों? हाँ, तो एडिशनल लिखने का. हाँ, तो एडिशनल के दोनों लिखो. हाँ ठीक है. इलस्ट्रेशन 5, वो हुआ मिस्टर डॉक्टर ए एन इंडियन सिटीजन एंड अ प्रोफेसर ऑफ आई एम लखनऊ लेफ्ट इंडिया ऑन 15 सितंबर 2022 फॉर यूएसए टू टेक अ प्रोफेसर जॉब इन MIT यूएसए. डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ एज पर 6(1) बेसिक कंडीशन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट. इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, राइट, और ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 years preceding previous year. But as per exception, if an Indian citizen left India for employment 60 is replaced by 182. समझ में आया? याद आया? मतलब अभी ये 60 का कोई मतलब नहीं है, इट शुड बी 182. यहां तक क्लियर? अभी वो कभी इंडिया से बाहर गया? स्टे इन 22-23, राइट. चलो स्टार्ट करो. अप्रैल में इधर था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी गया अगस्त में ना, सितंबर, ओके, तो अगस्त, सितंबर, कौन सा, वन सिक्सटी एट डेज,
entry and exit date will be counted in India. Since he does not satisfy condition 6(1)(a) for 182 days, he is non-resident. और एक बार non-resident आया मतलब सम खत्म. Non-resident आया तो सम ही खत्म, क्योंकि अभी ऑडियंस एंड ऑडियंस सोचना ही नहीं. और क्यों दूसरा कंडीशन ट्राई नहीं किया? क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, और एक्सेप्शन में दूसरा कंडीशन देखना ही नहीं है, क्योंकि यही कंडीशन नहीं हुआ ना 182, तो यहां भी नहीं होगा. देखो माइट बी पॉसिबल डिडक्ट करे तो करे आधा एक मार्क जो भी है, वरना तो नहीं करेंगे. आज एक दिन का फ्लक्चुएशन मतलब आंसर चेंज नहीं होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. वो करना पड़ेगा कैसे है 168 वो दिखाना पड़ेगा. सिक्स का भी क्वेश्चन सिमिलर है, सिक्स में भी सेम है, खाली इंस्टेड ऑफ 15 सितंबर 22 सितंबर है, तो 7 दिन बढ़ जाएगा तो 175 डेज हो जाएगा, तो भी आंसर क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट. समझा? एग्जाम में कंडीशंस बराबर लिखना, बस कंडीशंस लिखने के भी मार्क्स हो गए, समझना. चलो नाउ तो स्टे गिनेगा ना नॉर्मली. हाँ लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ही आएगा. एक दो महीने तो ऐसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कट टू कट होगा तो फर्क होगा, नहीं तो क्यों होगा. नाउ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पहले आते थे, ट्रिक क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? अभी एग्जाम्पल ऐसा आता था, समझो मिस्टर ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, came to India for first time. Came to India for first time on 1st April 2019. 21. हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 31st May 22, right? Determine residential status. ऐसा एग्जाम में आता था, समझो. Mr. Bradley, an Australian cricketer, came to India for first time on 1st April 2020 and left on 31st May 22. Determine residential status. कैसे करोगे? चल एनीवन, आपका ओपिनियन क्या है, आपका आंसर क्या है, चल सोचो फटाफट. अपना प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर चेंज नहीं हो सकता, वापस आना. अपना प्रीवियस ईयर 22-23 रहेगा, कुछ भी हो जाए. आगे बोलो. वही असेसमेंट ईयर 23-24 ही रहेगा, प्रीवियस ईयर 22-23 ही रहेगा, वो कोई भी समय चेंज नहीं होगा, वो सोचना ही मत. नहीं होगा पूरे पेपर में, वो सब माइंड मत, नहीं वो है एक फिक्स्ड है, पेपर के अंदर का फिक्स्ड है वो. बोलो आंसर. तुम्हारे पास चार कंडीशंस है, कोई 40 नहीं है कि याद रखना है. चार में से सेटिस्फाई कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उतना बोलना है बस खाली, फटाफट. रेसिडेंट है तो क्या? रेसिडेंट है तो आगे भी सोचना पड़ेगा. रेसिडेंट है तो आगे सोचना होगा, रेसिडेंट नहीं है तो आगे नहीं सोचना होगा. याद ना, आंसर टू बी प्रेसाइज. रेसिडेंट ऑर्डिनरी,
नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, तीन ही ऑप्शन है, एनी वन। क्या डेट नहीं दिया है? डेटा नहीं दिया, ओके, तेरे को लग रहा है डेटा नहीं दिया, ठीक है, तेरे को डेट ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा लग रहा है। आंसर इज रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट तो दूर की बात है, ऑर्डिनरी है वो, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तीनों कंडीशन अनएक्सपेक्टेड, डेटा सब दिया है, मैंने लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब क्या हुआ, मतलब उसके पहले इंडिया में था नहीं था, चल कभी आया वो, 2021 में आया, 21 22 22 23 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके ऊपर समझो 0 0 0 0 सब जीरो एक्सेप्टेड, 8 8 0 ऊपर नहीं आया था ना, तो जीरो ना, या इंडिया में था वो कितने दिन के लिए, कैसे हुआ, अप्रैल के 30 और मई के 31, यहां कितने दिन था, और यहां अरे बोलो, चलो बेसिक कंडीशंस फुलफिल किया, क्या था बेसिक कंडीशन, हुआ 180 डेज वाला कंडीशन हुआ नहीं हुआ, राइट, 182 वाला कंडीशन हुआ या नहीं, ये बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन पहला कौन सा था, हुआ नहीं, दूसरा 63 65 हुआ, 60 है टोटल 365 है तो यस यस है, मतलब क्या बन गया रेसिडेंट, अभी 730 डे, 7 साल में 730 होता है, यस, व्हाट इज 365 प्लस 365, ऊपर के पांचों पांच जीरो है तो क्या फर्क पड़ा, चलो जीरो तो भी यस हुआ, और 2 out of 10 दो बार रेसिडेंट है 10 में से, 8 बार 0 है, चलो जीरो दो बार हुआ, यस, तो आंसर इज तुम लोग क्या गिनते हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्या गिना, अब तो देखो ना पहले लिखा तूने क्या गिना, क्या गिना, नहीं अभी वो प्रीवियस ईयर ऐसे में करना, पूरा टेक्स्ट में कंफ्यूज हो रहा, मैंने कहा कितनी बार बोला प्रीवियस ईयर कौन सा है, अरे वो सब नहीं, प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, इतना बोलने का, प्रीवियस ईयर कौन सा है, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, प्रीवियस ईयर कौन सा है, ओके कौन सा, एक समय मैंने बोला या हर समय बोला, तो भूल जाने का, मैं क्या हर समय अलग अलग बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर, मैंने ऐसे बोला नेक्स्ट समय प्रीवियस ईयर चेंज होगा, प्रीवियस ईयर फिक्स बोला ना 22 23, चेंज नहीं होगा मतलब क्या होता है, नहीं होगा मतलब एंड तक पूरी टेक्स्ट बुक में आपका प्रीवियस ईयर 22 23, ऐसा चीज थोड़ी होता है भूल जाओगे, जो चेंज होने वाला अभी रोज फिक्स ही रहने वाला वो कैसे भूल सकते हो, क्लियर, क्या सोचते हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, व्हाट आर यू थिंकिंग, चलो इसने तो राइट सोचा गुड, बाकी सबने क्या सोचा, आपको स्टे निकालना है, कितने दिन के लिए इंडिया में था उतना निकालना है, खाली नॉर्मल लिखना था वो 2020 में आ गया था, अप्रैल में आ गया था तो पूरा 365 दिन इधर था, 22 में गया तो 21 22 भी इधर था, मई में गया तो अप्रैल में इधर था, फिर खाली आपको कंडीशन फुलफिल करना है, इतने में तो कंडीशन हो गया चार, टफ किधर था, चलो नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एंड यूएसए सिटीजन came to India for first time on 25th December 2022 for 200 days.
determine residential status. Chalo bolo. Mr. X, an USA citizen, came to India for first time on 25th December 22 for 200 days, determine residential status. Ordinary, not ordinary, वही ऑप्शन चार. नॉन रेसिडेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन. ऑप्शन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी. ओके, एक जन का रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी. आप लोग के लिए अच्छा है, राइटिंग पेपर है. एमसीक्यू होता तो आपको 100 क्वेश्चन होते ही नहीं एग्जाम में. 3 घंटे में आप लोग का 100 नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यू में समझो 100 घंटे, 100 मतलब पर क्वेश्चन इज लेस देन 2 मिनट्स. आप लोग को तो बेसिक क्वेश्चन में, एक एक लाइन के क्वेश्चन में 3-3 मिनट तो निकल जाता है. Answer is non-resident. Varad, देखो क्यों resident लगा? किसी को resident क्यों लगा? Reason. देखो resident लगा? हाँ या ना? हाँ. रेसिडेंट लगा? कुछ भी नहीं लगा. तूम लोगों को मुझे लगता है दूसरा तीसरा चैप्टर चालू करना, मेरे को डर लग रहा है अभी तो. ये बेसिक चैप्टर है, सच्ची बोल रहा हूँ, बेसिक चैप्टर है. बराबर ना? टीवा भी को मैं था, ये था या नहीं टीवा में? हाँ या ना तो बोलो. नहीं पता, ऐसे कैसे रे? टीवा टीवा में टैक्स था ही नहीं या था? तो चैप्टर था वो भी नहीं पता, ऐसे कैसे हो? इतना मस्त चैप्टर याद नहीं. आंसर आंसर इज नॉन रेसिडेंट. मैंने ना हिट करने के लिए 200 दिन लिखा, और एमसीक्यू में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था, और मैक्सिमम जिनको ऐसा लगता था कि चलो 1 मार्क मिल गया और 0.25 नेगेटिव में आते थे. बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन, क्योंकि दिमाग के अंदर 200 आएगा और 182 सेटिस्फाई लगेगा. ऐसा नहीं है, ये इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो आया कभी 20 दिसंबर, मतलब वो दिसंबर में कितने दिन के लिए था? 7 दिन, राइट? जैन, फेब, मार्च, सेवन डेज. अभी तू बोलेगा इसके बाद वो अप्रैल में भी इधर था, मई में भी इधर था, जून में उधर, मेरे को काम भी नहीं है. मुझे तो प्रीवियस ईयर का स्टेज चाहिए, तो प्रीवियस ईयर में तो 97 डेज को ही था. उसके बाद मैं 200 दिन लिखो या 2000 दिन लिखो, इससे कोई मतलब ही नहीं, समझा? प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए था? 97 डेज. लिखा क्या है मैंने? फर्स्ट टाइम, मतलब इसके पहले तो आया ही नहीं, मतलब 4 साल का 365 करने का तो चांस ही नहीं है. तो आंसर इज नॉन रेसिडेंट, समझा? ये मैंने हिट किया 200 दिन, और बहुत जन को एग्जाम में ये कॉमन था, एमसीक्यूज में ये सब कॉमन है, जहां स्टूडेंट लोगों को लगता क्या है और होता क्या. एमसीक्यूज का ट्रिक ही ये था. अभी ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये था. क्यों? ये तो अच्छी बात है कि 2020 और ये आया, इसके पहले का साल था ना 1920, वो तो बहुत टफ था. ये इसके पहले के साल में एग्जाम में आया था, स्टूडेंट को समझा ही नहीं. एग्जाम में क्या आया? ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑन 1/4/2/4/2019 लिखा था. वो कभी आया? 2 अप्रैल 2019 में आया था, वो टाइम पर ऐसा आया था. तो 1920 में कितने दिन के लिए था, 2021 में कितने के दिन, और 2021-22 में कितने दिन के लिए था, वो टाइम पर ऐसा था. तो ये 61 ही था, और ये 365, ये वो 2 अप्रैल को आया था, 1 अप्रैल को नहीं आया था. तो 364, तो आंसर 729. तो आंसर इज
नॉट ऑर्डर नहीं लगा, क्यों? लेकिन ये लीप ईयर था इसलिए 365 आएगा। 2020 में फरवरी में एक दिन आता था, स्ट्राइक ही नहीं हुआ था वो टाइम पर, समझा? 2020, 2024, 2028 जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है, और क्या? उसने लीप ईयर पूछ लिया था वो टाइम पर, तो समझा? लीप ईयर पूछ लिया, वो स्ट्राइक ही नहीं हुआ, 364 लिख दिया गाय में, तो पूरा आंसर कंक्लूजन चेंज हो गया। अब 364 लिखोगे तो नॉन रेसिडेंट है, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी है, 360 लिखा तो 65 लिखा तो ऑर्डिनरी, इतना डिफरेंस एक दिन का था, क्योंकि वो टाइम पर लीप ईयर भी क्लू था। ये तो चलो अभी के आपके दोनों साल लीप ईयर नहीं आ रहे, सीएसईटी कितने जन देकर आए, तो उसमें लीप ईयर का कंसेप्ट तो आता था ना, क्या नहीं आता है? पढ़ा था? कितने लीप ईयर होते हैं एक साल में, 4 साल में, 100 साल में? एक काम करो, मेरे कैलेंडर्स का लेक्चर देखो लास्ट ईयर का, ईटी का, सच्ची बोलो, मेरा कैलेंडर्स का लेक्चर देखना, मैंने लीप ईयर कितना है वो भी लिखा, एक एक कैलेंडर चैप्टर था ना ईटी, या नहीं था? ईटी देकर आया या नहीं देकर आया? कैलेंडर चैप्टर था, देखो ऑप्शन, ऑप्शन एक 100 साल में 24 लीप ईयर्स होता है और 400 साल में 97 लीप ईयर्स होता है, कौन से डेट पर कौन सा लीप ईयर है, कौन सा टाइम, मैंने सब एक्सप्लेन किया, ये सब रिक्वायर्ड है। डेट्स काउंटिंग, डेज काउंटिंग, ईयर्स काउंटिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक एक दिन का है। तो ये लीप ईयर था 2020, अगर फरवरी है तो लीप ईयर होगा, 21, 22 नहीं होगा, ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इज अ लीप ईयर। तो 20 आपको समझो 2016, 2020, 2024, 2028, बस उससे आगे पीछे तो नहीं आएगा, समझा? ये क्वेश्चन समझा? तो यहाँ तक आपका पार्ट वन हुआ, बेसिक्स हुआ, अभी तक वहाँ पर मैंने सिर्फ इंडिविजुअल कराया है, HUF कंपनीज का बाकी है, क्लियर? वापस देखो ये और ये दोनों से हम कॉपी करो, वो हुआ, वो भी कॉपी करना बाकी है, हो गया, वो भी बाकी है, करो। आप बोल, नहीं कुछ ना कुछ तो उन लोगों को मेंशन करना होगा, या तो इंडियन सिटीजन या तो फॉरेन सिटीजन, अगर फॉरेन सिटीजन आया ना कभी भी तो दोनों कंडीशन अप्लाई करने का, दोनों मतलब 182 भी और 365 भी, लेकिन अगर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आया ना तो सिर्फ कंडीशन वन देखने का, तीनों एक्सेप्शन के लिए इंडियन सिटीजन इज अ मस्ट। आज मुझे पहले दो चैप्टर आप लोग का घर पे एकदम बायाट चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर कभी अभी परफेक्ट चाहिए, भले एक 3 दिन लो 4 दिन लो, टाइम ही टाइम है आपके पास, घर पे एकदम परफेक्ट करो, एकदम परफेक्ट। आप लोग दोनों ग्रुप देने वाले हो या एक ही ग्रुप वाले हो? सब दोनों ग्रुप वाले हो ना? कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट? कंपनीज रिलेटेड बॉन्ड्स होगा, कॉर्पोरेट नहीं होगा, कॉर्पोरेट होगा आई थिंक, कॉर्पोरेट, CORPORATE इज कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट इज COOPERATE, कॉर्पोरेट इज कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट इज कंपनीज, कॉर्पोरेट
हाँ कॉर्पोरेट इज कंपनीज, सेक्शन 6(1) ही है ना, 6(1) के एक्सेप्शन है।
स्टार्ट करूं? पेज नंबर 9, टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर HUF मिला? टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर HUF, अभी HUF के लिए रूल्स क्या? HUF में पहला कंडीशन ऐसा है, इफ पार्टली और होली इन इंडिया, इफ होली आउटसाइड इंडिया, राइट? दिस इज सी, दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया में है या पार्टली इन इंडिया या और होल इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया में है तो, पूरा इंडिया में है तो लॉजिकली रेसिडेंट, पूरा बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन पार्टली इंडिया में है तो रेसिडेंट, मतलब दिस पार्ट विल बी रेसिडेंट एंड दिस पार्ट विल बी नॉन रेसिडेंट. ये हुआ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट. नाउ अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, वापस नॉन रेसिडेंट है तो खत्म. ऑर्डिनरी कभी होगा? ऑर्डिनरी तभी होगा इफ कर्ता सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशन. बोथ एडिशनल मतलब कौन सा? और नॉट ऑर्डिनरी कभी होगा? ये कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ एडिशनल कंडीशन. मतलब कर्ता अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा एडिशनल का, दोनों करेगा तो ऑर्डिनरी, और दो में से एक भी नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी. क्लियर? पहले ये देखने का, इधर आ गया तो सम खत्म, इधर आया तो वापस आगे सोचने का. अगर करता एडिशनल सेटिस्फाई करता है तो, नहीं कर रखा तो नॉट ऑर्डिनरी. नॉट ऑर्डिनरी का ना मैं इसलिए बोला, ये ध्यान दो, तू ये मत सोच, इससे अच्छा ये सोच दोनों करेगा तो, दोनों नहीं करेगा तो, और एक भी नहीं करेगा तो, हाँ तो इधर ही हुआ ना, एक भी नहीं करेगा तो भी इधर ही हुआ ना. एओपी बीओआई फर्म एलएलपी, राइट? फर्म और एलएलपी है तो सेम ही होता है. पार्टली और होली इन इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट खत्म. खत्म मतलब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता. ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट सिर्फ दो ही जन में होता है, इंडिविजुअल और HUF. कंपनीज, अगर इंडियन कंपनी है तो, इंडियन कंपनी है तो कंफर्म रेसिडेंट. नॉट एन इंडियन कंपनी, नॉट एन इंडियन कंपनी बट
POEM, that is place of effective management. Place of effective management is in India. To be resident. या तो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, या तो, चलो अभी मैं पूरा पढ़ता हूं पेज नंबर 9 पर. टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर एचयूएफ. एचयूएफ इज रेसिडेंट इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया. इफ द एचयूएफ इज रेसिडेंट एंड द स्टेटस ऑफ कर्ता वुड डिटरमाइन वेयर एचयूएफ इज. आरओआर इफ द कर्ता इज आरओआर and HUF would ROR. If karta is NOR, then HUF will be NOR. Matlab additional satisfy karta ya nahi karta, us par depend karta. Non-resident, if the control and management of the affairs is situated wholly outside India. The expression control and management refers to the function of decision making and issuing directions, but not the place where from the business is carried on. In other words, the control and management means taking policy decisions relating to business. Policy decisions are concerning finance, marketing, production, advertising, personnel. It does not mean day-to-day operations of the concern assessed. The control and management is situated at that place where the policy decisions are taken. So control and management of HUF means jahan karta hai, samjha, ya uska manager hai, jahan decisions liya jata hai. Waise firm aur EOP mein jahan partners hai, jahan uske managers hai, wahan control and management mana jata hai. जनरली नहीं पूछेंगे, उसका मीनिंग नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन लॉजिक समझाने के लिए कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या, मतलब जहां से डिसीजंस लिए जाते हैं. नीचे एचयूएफ फर्म एओपी इफ रेसिडेंट इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्ट इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट का भी विच इज होली आउटसाइड इंडिया. एंड एचयूएफ इज नॉट ऑर्डिनरी. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कौन सा है, ये एक ही बार एग्जाम है, मैं बाद में नहीं तो सम कराऊंगा तभी समझ में आएगा. जरूरत नहीं अभी देख, चलो अभी यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो सम में अंदर डालूंगा क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत जन को नहीं समझ में आता है, बहुत ट्रिक पॉइंट है वो. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत जन को ट्रिक लगता है, बहुत कम जन को समझता है. जैसे एग्जाम्पल एचयूएफ है ना, रेसिडेंट है और कर्ता आरओआर है, तो एचयूएफ क्या बनेगा, ऑर्डिनरी. और करता एनओआर है तो नॉट ऑर्डिनरी. और करता एनआर है तो एचयूएफ तो रेसिडेंट है. समझा, करता तो रेसिडेंट है, बोल दिया ना एक बार. तो एचयूएफ क्या बनेगा अगर करता एनआर है तो, अगर आपको एकदम परफेक्टली वर्ड समझोगे तो ही समझेगा. जितना लिखा है उसको एक एक चीज को समझोगे ना एकदम दिमाग के अंदर तो ही समझेगा, नहीं तो चांस ही नहीं. बहुत मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते हैं ये सब, क्योंकि आपके सामने मैं वापस चलता हूँ. देखो वापस सुनना, एचयूएफ पार्टली इन इंडिया, पार्टली इन इंडिया मतलब रेसिडेंट. व्हाट इज पार्टली मतलब पता है, पार्टली का कोई टर्म ही नहीं है. वो 10 दिन भी पार्टली होता है, 20 दिन भी पार्टली होता है, 30 दिन भी पार्टली होता है, 350 दिन भी पार्टली होता है. पार्टली मतलब क्या, अग्लास इज पार्टली फुल मतलब क्या, कितना फुल है, कौन बोला, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है. कंप्लीट फुल का मतलब पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट एम्प्टी मतलब खाली है, लेकिन पार्टली फुल मतलब, तो क्या कुछ भी बोल सकते हो आप, समझा. तो व्हाट इज पार्टली का मतलब 5 दिन भी हो सकता है, बराबर. अभी एक बार एचयूएफ रेसिडेंट बन गया, अभी कर्ता का डेज देखना है, उसके पहले कर्ता का डेज नहीं देखना, जिसको लॉजिक सब. यहां मैंने क्यों ये सब नहीं लिखा, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सब क्यों नहीं होगा, कंपनी में क्यों नहीं होगा, सोचो यार सोचो, कंपनी में क्यों नहीं होता ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी. ठीक है वो एचयूएफ है तो इसलिए, लेकिन क्यों नहीं होगा कंपनी में,
कंपनी ओके तो लेकिन उसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी है, फर्म में तो नहीं है, एओपी में भी नहीं है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। एक रूल समझना, हमेशा एक रूल समझना, कंपनी ऐसे कर सकता है 310 दिन बाहर गया वापस आया, वापस बाहर गया वापस आया, कंपनी ऐसा कर सकता है ना? तो फर्म कर सकता है, थोड़े दिन के लिए बाहर गया फिर वापस आया, नहीं कर सकता ना? इंड्यूस कर सकता है, जहां डेज का कंसेप्ट है वहां उसमें कंपनी कहां से आएगा? कंपनी आएगा 300 दिन बाहर था 65 दिन इधर था, ऐसा कंपनी में होगा? आप समझ रहे हो? नहीं हो सकता, वहां डेज का काउंटिंग नहीं आ सकता। कंपनी में किधर डेज का काउंटिंग लिखा मैंने? डेज का काउंटिंग ही कैसे होगा, वो कैसे आ जा सकता है? आ जा तो इंडिविजुअल सकता है ना, इसलिए वहां नहीं होता डेज का कैलकुलेशन। इसलिए ऑडी नॉट ऑडी यहां से होता ही नहीं है, यहां तक ही होता है। अभी कर्ता का क्या लॉजिक है देखो, अगर सपोज एचयूएफ रेसिडेंट कभी बनेगा, पहले वो सोचो, एचयूएफ रेसिडेंट कभी बनेगा? अभी ऊपर का मत बोलना, लॉजिकल समझाना। इंडिया में उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रहा है, होली आउटसाइड इंडिया है तो जनरली होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि एचयूएफ पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड इंडिया में ही होगा, और किधर होगा? भी लॉजिक है, अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूएस में थोड़ी होगा, समझा? तो इंडिया में ही होगा, होली आउटसाइड है तो नहीं होगा। अभी पार्टली भी इंडिया में तो क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया, रेसिडेंट तो बन गया। अभी कर्ता पर आता है, अभी कर्ता अगर ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ ऑर्डिनरी बना, कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी बना, लेकिन कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट तो है ही, लेकिन ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? क्यों? लेकिन कर्ता, एक बार एग्जाम आया था, कर्ता बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था लेकिन एडिशनल कर रहा था। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा ना, क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, ये मॉड्यूल का समय, कर्ता बेसिक नहीं करता है लेकिन एडिशनल कर जाता है, देन द आंसर विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देख क्या लिखा, कर्ता सेटिस्फाइज एडिशनल, बेसिक नहीं लिखा मैंने। वो तो इंडिविजुअल में ना, एचयूएफ तो रेसिडेंट तो बन ही गया है ना, रेसिडेंट का तो क्राइटेरिया कोई और सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें कर्ता नहीं कर रहा है। हमारे लिए रेसिडेंट हम खुद करते हैं, तो हमारे लिए ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हम मुझे खुद को करना है, या तो रेसिडेंट का क्राइटेरिया कर्ता कर रहा है, नहीं पार्टली होली कर रहा है, तो ये समझ में आया? मतलब समझो कि कोई कर्ता आज आज के दिन इंडिया के बाहर निकल गया, आज ही चला गया 15 मई को, बराबर यही साल निकल गया, मतलब 1.5 महीने इधर था, तो एचयूएफ क्या बन गया? रेसिडेंट, क्योंकि पार्ट इन इंडिया हो गया, लेकिन आज चला गया तो वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? 182 करेगा ये साल, 60 करेगा ये साल, तो ये साल का बेसिक नहीं करेगा, लेकिन 7 साल का 730 करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का फुलफिल करेगा, 2 out of 10 करेगा, तो एडिशनल कर गया, बेसिक नहीं किया लेकिन एडिशनल कर गया, और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और वो रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहां वापस बेसिक नहीं लिखा है, वापस रहो, मैंने एडिशनल लिखा है। पास्ट का क्वेश्चन मैं बोलूं ना, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं ना, आप रियल में बोल रहा हूं, मस्ती मैंने एक एक मार्क में। अ पर्सन कम्स फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड लीव्स ऑन रिपब्लिक डे। एक फॉरेनर जो 15 साल से एक ही काम कर रहा है, इंडिया में कभी आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे को आता है, रिपब्लिक डे को जाता है, तो उसका रेजिडेंस स्टेटस क्या? समझा? ऐसे एग्जाम में आया, मतलब आपको 15 अगस्त से 26 जनवरी में कितने दिन होते हैं?
15 साल का ऐसा है तो उसका स्टेटस क्या? वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बाबा सुनो, लॉ लॉ में वर्ड्स इंपॉर्टेंट। कितने दिन के लिए था, कहां तक था? मैंने क्या लिखा, रेजिडेंट बन गया, फिर अगर वो एडिशनल कर गया तो यस, एडिशनल नहीं किया तो नो। क्लियर? वो लॉजिक है, प्लीज समझना लॉजिक एग्जैक्ट। मैंने जो लिखा है उसका मतलब है, ऐसा नहीं मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, पढ़ना है तो अभी वापस पढ़ो। देखो क्या लिखा है, एन एच यू एफ कैन बी अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिला मिला, पेज नंबर 20 पर सेंटर में, एन एच यू एफ कैन बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मिला हाँ या ना? आधे लोग अभी भी नहीं मिला। पेज नंबर 10 में सेंटर पे, एन एच यू एफ कैन बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इफ मैनेजर करता हैज बीन अ नॉट ऑर्डिनरी इन द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द टेस्ट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स वेयर ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स द कर्ता ऑफ एच यू एफ हैज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर द टोटल पीरियड ऑफ स्टे ऑफ सक्सेसिव कर्ताज ऑफ द सेम फैमिली शुड बी एग्रीगेटेड टू डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द कर्ता कॉन्सिक्वेंटली द एच यू एफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तभी होता है जब 10 साल में कर्ता भी चेंज हुए होते हैं। 2 out of 10 रेसिडेंट होगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 साल के लिए कोई और करता था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद दूसरे 5 साल के लिए कोई और करता हो। जरूरत थोड़ी है 10 साल सेम करता हो। लास्ट में क्या था, 2021 में जो करता था वो टाइम पर रेसिडेंट था, 17-18 में वो करता था वो टाइम पर रेसिडेंट था, वो टाइम पर उस पर पूछेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लॉजिक होता है। लास्ट ईयर का कैसे, कोई करता था भी बना तो थोड़ी आप ऐसा नहीं करोगे, वो टाइम पर वो कौन करता था। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एच यू एफ सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल देन द रेसिडेंट एच यू एफ विद आर वर अदरवाइज इट विल बी एनओ आर। आर एनओ मतलब रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। सुना, सेटिस्फाइज बोथ दी, क्या लिखा है, सेटिस्फाइज बोथ दी एडिशनल, एडिशनल सेटिस्फाई करेगा तो भी चलेगा, बेसिक नहीं एडिशनल। समझ में आया? नीचे लिखा भी है एडिशनल कौन से 2 out of 10 भी है और ये लॉजिक मॉड्यूल में एक सम है, मैं बाद में करता हूँ। कर्ता का कंसेप्ट वापस, पहले क्या आइडेंटिफाई करने का, एच में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट है तो खत्म, रेसिडेंट है तो वापस सोचेगा कर्ता ने एडिशनल सेटिस्फाई किया या नहीं किया। कर्ता एडिशनल सेटिस्फाई करता है तो आर ओ आर, नहीं करता है तो एन ओ आर। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर फर्म एंड एओपी, पेज नंबर 11। अ फर्म एंड एओपी वुड बी रेसिडेंट इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ओनली और पार्टली इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इफ इट इज होली आउटसाइड इंडिया। राइट, आगे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कुछ मतलब नहीं है। टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर कंपनीज, अ कंपनी सेट टू बी एन रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट, मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इंप्लाइड क्या बन गया, रेसिडेंट। हाउएवर इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज द बेसिस ऑन विच द कंपनीज रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड। रेसिडेंट कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर दैट इज इरिस्पेक्टिव। हाँ देखो, उसमें पीओएम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंडियन कंपनी है तो पीओएम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनी वही इनफ है कि वो रेसिडेंट। लेकिन अगर इंडियन कंपनी नहीं है, समझ रहे हो, अगर इंडियन कंपनी है तो सीधा रेसिडेंट बन गया तो पीओएम नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज करेगा तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। अब मैं ऐसे बोलूँ इंडियन कंपनी और पीओएम इंडिया में नहीं है तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, क्यों? बस इंडियन कंपनी है तो पीओएम नहीं दिखना, मतलब कंपनी इंडिया यहां रजिस्टर्ड किया लेकिन दुबई में बिजनेस कर रहा है तो ये इंडियन कंपनी तो रेसिडेंट। उल्टा कोई फॉरेन कंपनी है, मतलब रजिस्टर्ड बाहर है लेकिन यहां बिजनेस कर रहा है, मतलब यहां उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो भी रेसिडेंट। अ कंपनी हूज पीओएम हैज नॉट बीन इंडिया एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, हाँ अगर
ना POEM है और ना इंडियन कंपनी है, तो नॉन रेसिडेंट। तो यहां तक आपका बेसिक्स पार्ट वन जितना हुआ है। अब इसके बेस पर जो सम्स है वो बता देता हूं। आई थिंक दो सम ऐसे हैं, पेज नंबर 169 पर, दो नहीं तीन चार सम है, सॉरी 7, 8, 9, 10, ये चार सम है। प्रीवियस ईयर में? हाँ, तो और किधर? POIM चेंज का मतलब रजिस्टर्ड बिजनेस चेंज करना, ये थोड़ी डेज है, डेज में थोड़ी होगा, कंपनी है, कंपनी को आपको रजिस्टर्ड ऑफिस देना होगा। POIM मतलब वहाँ एक कंपनीज एक्ट के अंदर आपको एड्रेस डालना होगा कि यहाँ से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। कोई कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनी को सब डिटेल्स देना पड़ेगा ना कि यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। आज अमेजोन आके बिजनेस करेगा तो वो बोलेगा मैं तो यूएसए से बिजनेस करूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा, तेरे को यहाँ कर रहा है तो देना पड़ेगा ना। या तो आप एड्रेस ही नहीं दे रहे हो, आप पूरा बिजनेस उधर से ही संभाल रहे हो, इधर कुछ नहीं है आपका, तो फॉरेन कंपनी हो जाएगा, आए ही नहीं इधर, इधर बिजनेस ही नहीं है, खाली आप बिजनेस वहां से ही ऑपरेट कर रहे हो। जैसे फेसबुक का होता है, मार्क जकरबर्ग का, इंस्टाग्राम का होता है, ये लोग का था, वो लोग उधर ही बैठे थे, ही नहीं कुछ, एक भी एड्रेस नहीं है उसका, पूरा बिजनेस ही बाहर से कर रहे हो, हाँ तो वो लोग फॉरेन कंपनी में आएंगे। समझो अजम्पशन पर अभी है, जो वीवो वाले और बहुत जने ना, वीवो ओप्पो, जो लोग इंडिया में बिजनेस सेटअप करने वाले, मतलब ब्रांड उधर का लेकिन यहाँ वो लोग जगह लेने वाले और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, मतलब ब्रांड उधर का, पूरा मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब उधर, लेकिन यहाँ सेटअप करेंगे वो लोग, हाँ इधर सेटअप करेंगे और यहाँ बनाएंगे, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग इधर रखेंगे, सब कुछ करेंगे, ब्रांड सब बाहर का हो सकता है। अगर किसी को इंडिया ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, आज मैं इधर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं इंडियन कंपनी हूँ, लेकिन मेरे को फॉरेन में ऐसा लगा दुबई में मेरा बिजनेस सेटअप हुआ है, वहाँ मेरा अच्छा चल रहा है, तो मैं उधर ब्रांच डालूंगा, उधर बिजनेस करूंगा, अभी वहाँ कंट्री का भी टैक्स भरूंगा, यहाँ भी टैक्स भरूंगा, वो तो सब होगा। वो आप लोग को नहीं सिखाया, अभी निकाल दिया सिलेबस में से स्टूडेंट लोग के लिए, अभी वो आपको सीखने नहीं मिलेगा, आपका चांस खत्म, DT आपका भी यहाँ इसके बाहर नहीं है DT आपको, वरना लास्ट ईयर अभी तक के पोर्शन में, मतलब मैं प्रोफेशनल में पढ़ा रहा हूँ, उन लोगों को इंटरनेशनल भी टैक्सेशन है, उन लोग को है इंटरनेशनल, मतलब दो कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर्स क्या होता है, मतलब मैं यहाँ भी भरूंगा तो वहाँ क्यों भरूंगा, या वहाँ भरा तो इधर क्यों भरूंगा, दो कंट्री में क्यों भरूँ, ये सब होता है ना, पब्लिक दो दो कंट्री में कमाएगा तो कौन सी कंट्री में इंपॉर्टेंट, वो सब अभी आप लोग को नहीं है सिलेबस में, इंटरनेशनल का पार्ट निकाल दिया, बहुत पोर्शन निकाला आपका, बहुत, ये लास्ट 2-3 साल में तो बहुत पोर्शन निकाला, कम से कम 8 चैप्टर निकाले, निकाले दिए, क्योंकि उन लोगों को पता था स्टूडेंट का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है, नहीं पढ़ा सकते, इंटरनेशनल सीखना मतलब समझना तो क्या लेवल होगा, आप समझ रहे हो, जहाँ वो कंट्री सामने सामने आने वाला है, कि अगर मैं श्रीलंका में टैक्स भर के इधर आया तो क्या, तो यहाँ मेरे साथ क्या होगा, या डेविड वार्नर है इंडिया का टैक्स भरेगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसका उधर क्या होगा, ऐसा होगा ना, क्रिकेटर सब दो दो कंट्रीज में जाएंगे, दोनों कंट्री एक दूसरे का सोचेगी तो सही ना, आज मेरी कंट्री में तो कमा के जाएगा तो मैं थोड़ी छोड़ूंगा तेरे को, और अपने लोग भी समझो रोहित शेट्टी वहां जाके वो स्पेन में और जाके कमा रहे, अपने भी लोग बाहर जाते ना स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, तो वहां कमा के आएंगे तो वहां थोड़ी छोड़ेंगे उसको, इंडियन गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा, फॉरेन गवर्नमेंट कोई नहीं छोड़ेगा, ये सब सब लोग बहुत बहुत एग्रेसिव है टैक्स स्ट्रक्चर्स में, बहुत, यूके और वो सब तो बहुत खराब है, 40-30-40% टैक्स निकालते हैं यूके यूएस सब जगह पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाली अरब कंट्रीज में कुछ है, वो भी हम लोग की तो हालत ही खराब है, उन लोग के लिए थोड़ा लिबरल है, अरब कंट्रीज में भी हम लोग की हालत खराब ही है, 51% स्टेक उधर जाए, 51% स्टेक, कमाना कि खाने का खेल नहीं है उधर सब जगह पे, यहाँ भी नहीं, अभी तो क्या टैक्स स्ट्रक्चर है पता है, सॉलिड टैक्स स्ट्रक्चर है, GST कितना है, GST ही कितना है, पहले तो IDT में मार देंगे, DT तक तो पहुंचेगे ही नहीं तुम लोग, अब समझे आज 1-1 करोड़ का घर खरीदने वाले लोग के पास कम से कम 2.5-3 करोड़ की इनकम होती है, जब भी टैक्स भर के इतना वाइट होता है फिर टैक्स लेते हैं, 2-2 करोड़ बचाना पड़ता है तब जाके करोड़ का घर आता है,
उसमें भी 15-5% जीएसटी स्टैंप ड्यूटी ये वो करके कितना टैक्स लगता। इंडिया इज नॉट अ यंग क्राउड, आप सोचो रेयर, आप देखोगे रेयर रेयर अभी बोल रहा हूँ रेयर। आप मेरे को अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो ना तो मैं बताऊँ वो बहुत बड़ा पर्सन होगा, अगर कोई 25 आपकी नज़र में समझो कोई 20 साल 25 साल 28 साल 30 साल में उसने खुद ने घर खरीदा और 1-1.5 करोड़ का और विदाउट अ फादर सपोर्ट अगर कोई हो तो ऐसे मैं बोलता हूँ जेन्यून कोई मान सकता हूँ, है तो बताना बस 30 साल तक की एज बोल रहा हूँ जिसने खुद का एक घर खरीदा हो विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली, चांस ही नहीं है, अभी चांस ही नहीं है। वो तो मैंने 4 घर लिए थे, मैं बोला आज मेरा वर्ड समझना टूडे, मैं 2005 के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो एज कितनी है, मैंने क्या बोला 30s में घर लेना इज इम्पॉसिबल जैसा है। हाँ समझा, क्वालिफाइड पर्सन। मैंने खुद ने 30 में 2 या 3 घर लिए, घर भी नहीं क्लासरूम से लेकर सब कुछ मैंने खुद ने सोचा। उसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्लानिंग चाहिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके आपके फादर भी आपके बाप ने जो वाला वो कौन है, नहीं है कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट ना। हाँ प्लानिंग वो कर सकता है जो टैक्स का नॉलेज लेकर बैठा है, दोनों का एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही आया, बाकी इम्पॉसिबल जैसा है। अदर देन क्वालिफाइड पर्सन पॉसिबल नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं होगा उसको कैसे ब्लैक व्हाइट करने का। उसको बचपन से होता है ना वो फर्स्ट ऐसे बुक उठाता है तब से हम लोग को पता कि ये पैसा आया इसको इधर डालेंगे तो 0 टैक्स आएगा, इसको इधर डालेंगे तो 0 टैक्स आएगा, 0-0 टैक्स आएगा तो वो बचते जाएगा। और फिर जब जगह लेना का होगा तो ऐसे एडजस्ट करेंगे ऐसे एडजस्ट करेंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अपना जगह आ जाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। सुशांत सिंह राजपूत नाम सुना है, कौन था एक्टर, अच्छी अच्छी मूवी में आया था, सीरियल में आया था, मरा था भी किस में रहता था, हाँ खुद का फ्लैट था। समझा नहीं समझा क्या, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज भाड़े के घर में रहते हैं, पैसे कमा सकते हैं बचा नहीं सकते। मैं इतने सेलिब्रिटीज का लाइन दिखा सकता हूं, मैं कॉल सेंटर वाले का लाइन दिखा सकता हूं, मैं पायलट्स लोग का लाइन दिखा सकता हूं, मैं इंजीनियर देता हूं, दे कैन अर्न दे कैन नॉट सेव। वो एक सीए के खून में, अर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप कमा सकते हो लेकिन आप बचा नहीं सकते और आप बढ़ा नहीं सकते तो आप क्या फायदा, अल्टीमेटली लोन पर ही आ जाओ क्योंकि आपको प्लानिंग नहीं आता। आप मैं महीने का 1 लाख कमाऊंगा लेकिन एक महीने के एंड में पता लगेगा बचा क्या 5,000, बचा क्या फायदा क्या। तो फिर यू शुड नो द हाउ टू ग्रो मनी ना, वो ग्रो मनी का कंसेप्ट है ना वो टैक्सेशन है, नहीं तो नहीं खरीद पाते। अभी के जनरेशन में बहुत डिफिकल्ट हो गया है, उसका रीजन है दे आर नॉट प्लानिंग, दे आर जस्ट, इन लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे पैसे का ग्रोथ होता है। मतलब आज मैंने 1 लाख कमाया तो 1 लाख नेक्स्ट कैसे 1.25 लाख तक बनाने का, उसको कहाँ फिक्स करने का, वो कहाँ अमाउंट आना चाहिए वो नहीं पता चल रहा है। वो खाली ऐसा सोच रहा है मैं कमा रहा हूँ, समझा। मैक्सिमम ये सीरियल वाले देखो 80-90% सीरियल वाले भाड़े पर रहते हैं, इतनी इनकम होने के बाद महीने का 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख कमाने के बाद भी आप भाड़े पर हो, क्यों वाई समझा कभी। चलो पढ़ो नेक्स्ट, इन HUF whose affairs or business are completely controlled from India, वर्ड्स क्लियर कर रहा है क्या है कंप्लीटली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब, अरे बोलो यार कंप्लीटली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट। नेक्स्ट फर्स्ट केस में लिखा है कर्ता इज ROR, अभी कर्ता ROR है उसका मतलब क्या, खाली बोलो कर्ता ROR है तो एडिशनल सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एडिशनल कर रहा है हाँ या ना, तो HUF भी क्या बन जाएगा रेसिडेंट। कर्ता इज NR बट इज सेटिस्फाइज एडिशनल कंडीशन, ऑर्डिनरी
तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी होगा, लास्ट करता है इस एनओआर, मतलब एडिशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर इज एनओआर, आर एनओआर या नॉट ऑर्डिनरी। मतलब देखो, तो ये सब के लिए ना मैं आपको एक एक काम देने वाला हूँ, घर पे आके मॉड्यूल में ना ये सब के आंसर्स को ना थोरली पढ़ना जरूर, ये सब मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है, मिल जाएगा आपको, लेकिन आंसर को ही पढ़ना। जैसे एग्जांपल देखो, सॉरी, पहले एचयूएफ, एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट है तो खत्म, रेसिडेंट है वो क्वेश्चन में दिया है, तो तीन कंडीशन, अभी तीन देखो, करता बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन, करता बेसिक कंडीशनल एडिशनल कंडीशन एंड करता बेसिक कंडीशनल एडिशनल कंडीशन। अभी करता आर ओ आर है, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, करता एन आर है, करता एन आर है या एन ओ आर है, चलो तो ये कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो ये एन ओ आर होगा, एनआर तभी होगा जब वो एडिशनल नहीं कर रहा है, लेकिन करता एनआर है, बेसिक नहीं कर रहा है लेकिन एडिशनल कर रहा है, समझा? तो ये सिचुएशन में एडिशनल सेटिस्फाई है तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरओआर। या एडिशनल सेटिस्फाइड है तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरओआर। या एडिशनल सेटिस्फाइड है नो, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? एनओआर। समझा? और चौथा केस तो खाली मैं डमी लिख के रख रहा हूं, जरूरत नहीं है, अगर कर्ता बेसिक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और एडिशनल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एचयूएफ क्या बनेगा? एनओआर। अभी एनआर मत लिखना, क्योंकि यहां होता तो एनआर होता, मैं तो ये लाइन पास कर चुका हूं, एक बार बोल दिया रेसिडेंट, अभी आप, मैं एक बोलता हूं एचयूएफ इज रेसिडेंट, फिर आप बोलते नहीं एचयूएफ नॉन रेसिडेंट, वो कैसे हो सकता है? एचयूएफ रेसिडेंट दिया है, ये समझा? अभी बस इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। वैसे देखो नेक्स्ट समय भी वही लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, कर्ता ऑफ एन ऑफ एचयूएफ कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ मिनिमम ऑफ 60 डेज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 91 डेज। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो मिला वही उसके नीचे वाला सम, पेज 169। बोलो, अगर मैं हर साल 60 दिन 60 से ज्यादा आ रहा हूं लेकिन 91 से कम आ रहा हूं, समझो एक एचयूएफ का कर्ता हर साल कितने दिन के लिए आ रहा है? 60 से ज्यादा, 91 से कम, ऐसा सोचो, चलो 60-90 के बीच में, बराबर है? अरे जो समझना है समझो, 90 समझना है 90 समझो यार, 60-90 के बीच में, बराबर है? अभी मेरे को बोलो एचयूएफ क्या होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? एचयूएफ करता हर साल 60 और 90 के बीच में आ रहा है, एचयूएफ क्यों? नहीं वो लॉजिक नहीं, वो लॉजिक बराबर है, पार्टली इंडिया में आ गया, 60 भी आया ना, पार्टली इंडिया में आ गया, मतलब इंडिया में आ गया, मतलब एक पार्ट हो गया रेसिडेंट, दूसरा पार्ट करता बेसिक सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो, ये तुम लोग क्या सोचते हो ना, मेरे को बोलो, ये तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे को बोलो क्या सोचते हो, जब मैं पूछता हूं आपको बेसिक कंडीशन, आप सोचते क्या हो, मेरे को बोल सकते हो क्या सोचते हो? एक मिनट, जब मैं आदमी बोलता ना बेसिक है तो 182-60, पहले वो सोचो, पहले वो सोचो 60 और 90 के बीच में आता तो 182 होगा, तो सोचो आउट, 60 है, चार साल में 365 होगा, तो आउट, तो बेसिक हुआ, कितना टाइम लगता है तुम लोगों को रे, दो कंडीशन के लिए इतना सोचते बैठते हो, मैं कंफर्म क्या हो गया, बेसिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी एडिशनल सोचो, क्योंकि अपने को एडिशनल सोचना है, सात साल में 730 होगा, पापा सोचने बैठ गए ना,
सोच रहे हो ना? अरे 90 डेज उसका मैक्सिमम है, 90, 90 × 7 = 630 डेज, 730 कहां पहुंचेगा? तो मतलब 730 भी नहीं होगा, मतलब एडिशनल भी नहीं होगा, तो कंफर्म करता आंसर क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब पार्टली वाला सेटिस्फाई किया लेकिन एडिशनल सेटिस्फाई नहीं किया, समझ रहे हो? थोड़े नंबर्स पायाट होने चाहिए। आप लोग 900 × 7 में भी आपको कैलसी सोचना पड़ेगा तो गलत है ना? 19 × 7 = 630 होगा, 100 होगा तो भी 700 होगा, 730 कहां से होगा? नेक्स्ट, द HUF इज बींग मैनेज पार्टली फ्रॉम मुंबई, पार्टली फ्रॉम जापान, बोलो। हाँ ऐसे एक है, एक दो जन है जो पटाफट सोचता है, ऐसे लाइन पढ़ा ना रेसिडेंट, नहीं वापस दो बार पढ़ेगा क्या है? अरे पार्टली इन मुंबई आया ना, खत्म, रेसिडेंट, पार्ट वन ओवर, अभी आगे का सोचना, समझा? द कर्ता ऑफ HUF इज अ फॉरेन सिटीजन, कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980 इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज। करता रेसिडेंट है, लेकिन रेसिडेंट मेरे को फायदा है, मुझे कर्ता का एडिशनल सेटिस्फाई चाहिए, कर्ता का बेसिक नहीं चाहिए, बराबर ना? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो कर्ता कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है मेरे को बोलो, एडिशनल या नॉन एडिशनल या क्या? ये सब कॉपी हुआ है? चलो अगर कोई पर्सन, चलो लास्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन हर साल के लिए 105 दिन के लिए आता है, बराबर, कितने बार हर साल? अरे छोड़ना, 10, 15, 20 साल, 25 साल, ऑर्डिनरी पक्का? कैसे ऑर्डिनरी? तो 2 out of 10, 2 out of 10 भी हो रहा है, ऑनलाइन वाले को दिखता ना, यहां तक दिखता है ऑनलाइन? थोड़ा सा 2012-13 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7, 8, 9, 10, 22, 23, कितना दिन? 1980 से लिखो, 80 से लिखो, 30 साल का, 30 साल का काम है, 30 साल का लिखो या 40 साल का लिखो या बस 10 साल का? 19, चलो 182 डेज सेटिस्फाई कर रहा है? नो, 60, 365 कर रहा है? कैसे? ये 60 है, 4 × 365 है, तो बहुत जन बहुत नहीं सोचते, चारों नंबर 100 के ऊपर है तो 365 तो होगा ही ना, फिर 410, 420 मेरे को नहीं सोचना है, मैंने क्या पूछा 365 हो रहा है? पापा कैलसी यूज मत करो यार, 100, 100, 100, 100 भी 400 होता है। तो ये सेटिस्फाई हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, तो ये यस हुआ, भद्रे सर प्रदीप ने को ना टेस्ट करे, टेस्ट 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 हाँ ठीक, तो आंसर ये क्या आएगा, मतलब कर्ता बिकम्स रेसिडेंट, क्यों रेसिडेंट?
हाँ चलो, अभी 7 साल 730 दिन, ये कितना 105 है, 105, 105 7 बार करूं तो कितना होता है? वेरी गुड, 735 डेज हो रहा है, तो ये भी हुआ। यस सोचो, 104 होता तो नहीं होता, 104 होता तो 728 हो जाता, इससे जानबूझकर 105 दिया। 2 out of 10 हो रहा है, 2 बार रेसिडेंट इन 10 ईयर्स हो रहा है, कैसे? नहीं, 2 out of 10, ये 10 में से 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, कैसे? आंसर इज यस, वो 10 साल रेसिडेंट है, 2 out of 10, 10 on 10 है, कितनी बार है? 10 on 10 times वो रेसिडेंट है, कैसे? कॉमन सेंस है, ये 105 में कैसे रेसिडेंट बना वो? हाँ, तो ये 105 में नहीं बनेगा, तो ये 105 में नहीं बनेगा, मतलब हर 105 में वो रेसिडेंट बनेगा, कॉमन सेंस। अगर ये 105 आप बोल रहे हो रेसिडेंट है, तो ये 105 भी तो रेसिडेंट हुआ, समझ रहे हो? कॉमन सेंस सोचो, ये 105 के बेस पर आपने बोला रेसिडेंट है क्योंकि वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये 105 में भी वैसे होगा। प्रीवियस ईयर 365, प्रीवियस ईयर 365, प्रीवियस ईयर 365, तो 61 63 65 हर साल हो जाएगा, तो 2 out of 10 भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ही सेटिस्फाइज, हेंस करता बिकम्स, और करता एडिशनल सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट ऑर्डिनरी। चार ही कंडीशंस है चैप्टर 2 तक, अभी मैंने आधा चैप्टर होगा इधर, 11 12 13 दूसरा पार्ट चाहिए, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बस है, 10th 11th 12th 13th लास्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, सॉरी। ऑनलाइन समझा? मॉड्यूल में से इसके सॉल्यूशन एक बार घर पे आके पढ़ना जरूर, मैंने समझा दिया लेकिन लिखने के लिए भी, अब लिखना चलो अब बाद में प्रैक्टिस करना मेरे को चलेगा, लेकिन जो कमांड चाहिए कि आंसर हाँ ये है ये है, वो आना ही चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस भले बाद में चलेगी, लेकिन रोज ऐसे घबरा जाओगे ऐसा नहीं चलेगा। 182 डेज और ये सब चिंटू मिंटू नंबर्स है, चार कंडीशन है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, चार दो तीन लेक्चर हो या जो भी हो, भी याद हो जाना चाहिए चार कंडीशन, क्लियर? 182 कहाँ है, 7 साल में 730 किधर है, 2 out of 10 किधर है, 63 65 किधर है, राइट? ये टेबल समझा, ये और ये, ठीक है, चलो, बाय एवरीवन।